फिर मैम स्टार्ट हो गया। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोग AS29 जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो AS29 में, AS29 और AS4 जो है वो लगभग मतलब एक ही टॉपिक पे बात करता है। AS4 हम लोग का हो गया था, ठीक है। AS29 जो है उसका आधा हुआ है, मतलब जस्ट एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हुआ है। अभी उसका क्वेश्चन जो है काफी कम क्वेश्चन है, आज कम करेंगे। तो AS29 जो है वो किस बात पे बोलता है, देखो एक बार हम याद दिला देते हैं। AS29 है प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट पे बोलता है। तो प्रोविजंस क्या है, क्यों क्रिएट किया जाता है, कब क्रिएट किया जाता है, या फिर कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या है, क्यों क्रिएट किया जाता है, कब किया जाता है, कंटिजेंट एसेट के बारे में, ये तीनों चीज हमें पढ़ना है। जिसमें से प्रोविजंस और जो भी मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट किया था, ठीक है। प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस को कब रिकॉर्ड किया जाता है, बोल रहा है कि किसी एंटरप्राइज का अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट से, ठीक है, तब प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन रूल्स ये था कि ये तीनों, ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड तो ही प्रोविजंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ए बी सी। तीनों कंडीशन क्या है कि हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होना चाहिए पास्ट इवेंट से, दूसरा है कि उसके बिहाफ में जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा उसके रिजल्ट या आउटपुट जो होगा उसके उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इनबॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब बेसिकली कैश आउटफ्लो, ये सब तो लैंग्वेज है, बेसिकली कैश आउटफ्लो का जो पैटर्न है वो प्रोबेबल होना चाहिए। प्रोबेबल का मतलब मैक्सिमम परसेंट चांस होना कि मुझे इसके लिए किसी को पेमेंट करना पड़ सकता है, और जितना पेमेंट करना पड़ेगा, जितना प्रोविजन बनाएंगे उसका अगर हमारे पास कोई रिलायबल एस्टिमेट है, रिलायबल मतलब ऐसा एस्टिमेशन जो रिलायबल हो, मतलब जो हम लोग मान सके कि हाँ सही हो रहा है, रिलायबल एस्टिमेट हो, तो ही हम लोग इसी कंडीशन में, इफ दीज कंडीशन आर नॉट मेट नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज। जिसका मतलब मैंने लास्ट दिन भी बताया था, अगर मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन उसमें प्रोबेबल नहीं है, मतलब उतना ज्यादा चांसेस नहीं है कि पे करना पड़े, ना तो हम लोग उसे एस्टिमेट कर पा रहे, इन दैट केस वो हम लोग का प्रोविजन्स नहीं होगा। प्रोविजन्स होने के लिए तीन कंडीशंस फुलफिल होना ही चाहिए, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, दूसरा प्रोबेबल, तीसरा रिलायबल एस्टिमेट, अदरवाइज प्रोविजंस नहीं होता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी का क्या था, कंटिजेंट लाइबिलिटी में अगर देखोगे तो उसका जो मेन पॉइंट है दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो दोनों डेफिनेशन देखोगे लगभग सेम है, लगभग, ठीक है, मतलब पूरा तो नहीं होगा। इसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर पास्ट इवेंट, इसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, मतलब फ्यूचर में हमारा कोई ऑब्लिगेशंस, फ्यूचर बोल रहे पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, हमारे ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म ओनली द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। कोई फ्यूचर इवेंट होने या ना होने पे, ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस का मतलब फ्यूचर इवेंट होने या ना होने पे डिपेंड करता है कि वो हम लोग का लाइबिलिटी जनरेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें होगा या नहीं होगा है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद दो की पॉइंट जो है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबल ऑब्लिगेशन, उसको भी एएस ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, मतलब डेफिनेशन दिया है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब जो पास्ट इवेंट के वजह से आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अच्छा देखो नहीं, ये और एक चीज है यहाँ पर, जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है उसका दो पॉइंट है, एक तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बी जो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस भी हो सकता है दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इट कांट बी रिकॉग्नाइज। मतलब अगर हमारा कोई भी ऐसा सिचुएशन है जो कि प्रेजेंट ऑब्लिक, ये पॉइंट हमारा वैलिड हो रहा है बट ये दो पॉइंट जो है हम लोग नहीं वैलिड कर पा रहे, मतलब हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो है बट वो प्रोबेबल नहीं है और रिलायबली एस्टिमेटेड नहीं है, तो उस केस में वो प्रोविजंस नहीं होके हो जाता है कंटिजेंट लाइबिलिटी। देखो यहाँ पर वही बोला है कि एक तो देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी का अपना एक डेफिनेशन है ही कि अब वो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने के बाद भी अगर हम लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि उसमें कोई प्रोबेबल सिचुएशन नहीं है, नॉट प्रोबेबल, और रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो प्रोविजंस नहीं बन के वो बन जाता है कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी का तीन कंडीशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने के बाद भी अगर नॉट
प्रोबेबल और नॉट रिलायबली एस्टिमेटेड सिचुएशन में है, तो वो प्रोविजंस नहीं होके हो जाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो रिवर्सली अगर बोलो तो प्रोविजंस होने के लिए ये थ्री कंडीशंस पे यस यस एंड यस ये होना चाहिए। अगर मान लो हम लोग सोच रहे थे कुछ हमारा प्रोविजन होने वाला है, ये सिचुएशन यस है बट ये दोनों हमारा नो नो है, तो वो बन जाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। यही बोला गया है लास्ट दिन, मैंने यही तुम लोग को एक बार समझा भी दिया था। फिर यहाँ पर कंटिंजेंट एसेट का मतलब, कंटिंजेंट एसेट का मतलब पॉसिबल एसेट। जैसे लाइबिलिटी अगर कंटिंजेंट है तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, क्योंकि कंटिंजेंट का मतलब ही तो होता है, लॉ में तुम लोग पढ़े हो कंटिंजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है कि फ्यूचर में कोई इंसिडेंट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बेसिस करके जिसका एग्जीक्यूशंस होता है। तो बोल रहा है कि पॉसिबल एसेट, ठीक है, कंटिंजेंट एसेट का मतलब पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट द, ये मैंने शायद कुछ गलत लैंग्वेज लिख दिया क्या, इट इज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड द एग्जिस्टेंस। अच्छा मैंने ना दी को आगे कर दिया है, वो लिखते लिखते हो गया, ठीक है इसको ठीक कर। एंड the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event, not wholly within the control of the organization. क्योंकि uncertain तो इसीलिए क्योंकि organization के control में नहीं है। तो अगर कोई possible asset है हमारा जो कि future में हमें मिल सकता है नहीं मिल सकता है किसी एक incident के होने पे या नहीं होने पे, उसको contingent asset बोलते हैं। और contingent asset का एक rules क्या, it is not recorded in the books until it is virtually certain। क्योंकि हमें prudence nature बता चुका है कि हम लोग future में होने वाले profit को record नहीं कर सकते हैं। फिर expected outcome बोल के मैंने दो part में divide के इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इनफ्लो मतलब पैसा आने का बात, तो वो पॉसिबल एसेट होगा, पॉसिबल एसेट इज कॉल्ड कंटिंजेंट एसेट बट इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में हमारा कोई कैश आउटफ्लो होने का सिचुएशन क्रिएट होता है तो वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, प्रोबेबल, रीजनेबली पॉसिबल, रिमोट। अगर प्रोबेबल का मतलब होता है मैक्सिमम चांसेस का कि वो इंसिडेंट ऑकर होगा, लाइक 80-90%, ठीक है। प्रोविजन रिकॉर्डेड इन द बुक्स रिकॉग्नाइज, प्रोविजन को रिकॉर्ड करो, ये प्रोबेबल होने से उस प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको अकाउंट के लैंग्वेज में बोलते हैं रिकॉग्नाइज। रीजनेबली पॉसिबल का मतलब होता है कि मतलब 50-50 चांसेस है, तो फिर उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना दिखा के उसे फुट नोट में दिखाया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। और रिमोट मतलब काफी कम, जैसे 10-20% चांस है हार्डली, तो उसे हम लोग कर देते हैं इग्नोर, ठीक है। अच्छा ये यहाँ तक तो मेरा बोला हुआ था। फिर ये देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टर्म को यहाँ पर बताया है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट, जो तुम लोग AS4 में पढ़े थे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तभी होगा अगर बैलेंस शीट डेट पे कोई हमें हिंट्स मिलता है कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है और इसको प्रोबेबल भी होना पड़ेगा। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब इफ बेस्ड ऑन एविडेंस अवेलेबल इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर्ड नॉट प्रोबेबल, मतलब बैलेंस शीट डेट पे सिचुएशन का होने का कोई प्रोबेबल नहीं था, प्रोबेबिलिटी नहीं था, इन दैट केस पॉसिबल ऑब्लिगेशंस कहलाएगा। यहां तक मेरा बोला हुआ था। रिइंबर्समेंट बता देते हैं, रिइंबर्समेंट का जो कांसेप्ट है वो क्या है, पहले यहां पर हम बताते हैं फिर बाकी पैरा समझा देंगे। रिइंबर्समेंट में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सपोज मान लो कि हम लोग का गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मान लो गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ट्रांसपोर्ट होके दूसरे जगह से जा रहा है, मान लो कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बीच में ऐसा हो कि किसी भी रीजन से, ठीक है, किसी भी रीजन से हम लोग का स्टॉक जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में जो जा रहा है, तो मान लो गुड्स ऐसा हो सकता है, मान लो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब उसका रीजन क्या हो सकता है, काफी रीजन हो सकता है, लाइक चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, क्यों हो सकता है, देखो इसका कुछ भी रीजन सोच लो, लाइक थेफ्ट, ठीक है, चोरी हो जाएगा या फिर मान लो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो स्टॉक जा रहा है, ठीक है, ये जो मान लो इस गाड़ी में जो स्टॉक जा रहा है, ठीक है, हम लोगों ने उसका क्या कर लिया है ना, उसमें मान लो इसमें हम लोगों ने ये जो गुड्स है इसका इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, इसका इंश्योरेंस करवा लिया है, ठीक है, इसका इंश्योरेंस करवा लिया है। अब इंश्योरेंस करवा लिया है और अगर हम लोग का
मान लो कि गुड्स लॉस्ट हुआ, रियलिटी में ऐसे मान लो कि थेफ्ट हो गया, रास्ते में चोरी हो गया, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगा था कि चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो सच में चोरी हो गया। तो चोरी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, थेफ्ट हुआ। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने क्लेम एडमिट किया है। एडमिट करने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बोलना पड़ता है कि हाँ मुझे लग रहा है आप सच बोल रहे हो, मतलब वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसे नहीं कि बस कोई बोला तो पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी आके इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हाँ सच में चोरी हुआ है कि नहीं, या फिर वो जो इंश्योरेंस करवाया है वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो वो चेक करके जो है अपना पेमेंट करती है, जितना क्लेम जो है देने का बात होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग जब स्टॉक भेज रहे थे तब हम लोग का बैलेंस शीट ऐसे दिख रहा होगा। मान लो हम लोगों ने प्रोविजंस कर रखा है, सपोज 1 लाख रुपीज का, ठीक है। किस चीज का प्रोविजंस किया? क्योंकि हमें पता है कि रास्ते में ऐसा सिचुएशंस होता है कि गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाता है, इसका हमें जो है अंदाजा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, प्रोविजंस बना के रखा है उस लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। अब मान लो हम लोग का स्टॉक जो था वो मान लो 1 लाख का ही था, यहाँ पर जो स्टॉक था वो मान लो 1 लाख रुपए का ही था, हम लोगों ने 1 लाख का ही प्रोविजंस बनाया था, और इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो क्लेम दिया है 50,000 का, ठीक है। ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 50,000 का क्लेम दिया है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि यहां से हम लोग क्लेम को लेस कर देंगे और प्रोविजंस को कम कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर 50,000 दिखा देंगे, ये जो है ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है, ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते, रॉन्ग ट्रीटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में इधर से पहले प्रोविजंस बना हुआ होगा कुछ भी एक अमाउंट का, ठीक है। जैसे कि मैंने माना 1 लाख का ही बना लिया था। अब जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा तो उसे हमें एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम बोलेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल या इंश्योरेंस क्लेम बोल के, इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी क्लेम नहीं, इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो बेटर है कि हम इंश्योरेंस कंपनी लिख देते हैं। क्योंकि एंट्री क्या होता है, जब क्लेम एडमिट हो जाता है तो एंट्री कुछ इस तरीके से होता है, देखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट करेगी, ठीक है, और हम लोग का बाकी अमाउंट का लॉस हो जाएगा, पीएल डेबिट 2 हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितने का है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1 लाख का, 50,000 क्लेम मिलेगा तो 50,000 का लॉस है, तो ये रिसीवेबल डेटर की तरह है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी बोल के इधर आ जाएगा। ये हम लोग का करेक्ट जो है ट्रीटमेंट है, जिसको करने के लिए हमें AS 29 ने बोल रखा है। रिम्बर्समेंट जब होगा तो उसे हमें अलग से शो करना है, प्रोविजन अगर पहले से बना रखा है तो उससे लेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम दिखाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ था रिम्बर्समेंट में, यहां से देखो, एन एंटरप्राइज विथ ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस मे बी एबल टू सीक रिम्बर्समेंट ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम अनदर पार्टी। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी एक एंटरप्राइज जिसका कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हो सकता है, प्रेजेंट ऑब्लिग, क्योंकि हमें पता है कि रास्ते में गुड्स लॉस्ट होना नॉर्मल बात है, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये काफी नॉर्मल है, तो ये चीज हमारे लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने स्टॉक अगर ट्रांसफर किया है तो गुड्स लॉस्ट होगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था, कि पास्ट में किए गए किसी इवेंट के लिए अगर हमारा कोई ऑब्लिगेशन जनरेट होता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। वो ये देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कि ऑब्लिगेशन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, क्योंकि हमें पता है कि चोरी हो सकता है या जो है रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट, हमें पहले से ही पता है, जब हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाए थे तब से पता है, जब से स्टॉक भेजा कि हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मे बी एबल टू सीक रिम्बर्समेंट ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने 1 लाख का स्टॉक भेजा, हमें पता है कि या तो हमें इंश्योरेंस कंपनी, हमें पता था 50,000 मिलेगा तो मैंने 50,000 दिखाया, या फिर 1 लाख 80,000 जो भी मिल सकता है, तो पार्ट में रिम्बर्समेंट मिले
या फिर हम लोगों को फुल्ली रिइंबर्समेंट मिले, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अरेंज टू कवर द रिस्क, जैसे ये वाला था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था कंपनी के साथ, मतलब जिन्होंने ये स्टॉक ट्रांसफर किया था उस एंटरप्राइज के साथ इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, ठीक है? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अरेंज टू कवर द रिस्क, वारंटी प्रोवाइडेड बाय सप्लायर, ठीक है? जैसे हम लोगों ने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, तो जिनसे खरीदा उस उन्होंने हम पे हमें हमारे प्रोडक्ट पे कोई वारंटी दे दिया, ठीक है, कि 2 साल का वारंटी है। वारंटी जैसे नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे होता है, लाइक लैपटॉप हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा बड़ा जितना भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पे काफी वारंटी, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, काफी सारी चीजों पे वारंटी होता है। वारंटी का मतलब है उस पीरियड के अंदर अगर वो सामान खराब होता है तो वारंटी में लिखा हुआ रहता है कितना कितना कवरेज है, किस किस चीजों पे कवरेज दिया गया है, तो वो सारी चीजों का हमें फ्री सर्विस, रिप्लेसमेंट ये सब मिल सकता है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा। तो वारंटी जब सप्लायर दे रहा है तो उसे भी पता है कि प्रोडक्ट खराब हुआ तो मुझे, मैंने जो प्रॉमिस या वारंटी दिया है उसको मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मेरे पास से पैसा जा सकता है, ठीक है। एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज द रीइंबर्समेंट सेपरेटली एंड डिस्क्लोज इट, वही तो अभी देखो एग्जाम्पल में मैंने समझा ही दिया, उसको सेपरेटली दिखाना है और सेपरेटली ही डिस्क्लोज करना है, उसे किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना है। प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट, अच्छा जो प्रोविजन हम लोग क्रिएट करते हैं उसको हमें हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करते रहना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी भी रीजन, जैसे मान लो प्रोविजन फॉर डेटर, फाइनल अकाउंट तो काफी बनाए होंगे, तो हर साल कंपनी को अपने डेटर पे क्रिएट किया हो गया प्रोविजंस को जो है रिव्यू करना चाहिए हर बैलेंस शीट डेट पे। अगर हम लोग डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं तो वो भी हमें हर बार जो है, हर बार यानी कि एटलीस्ट ईयरली जो हमारा बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तब रिव्यू होना चाहिए। डिस्क्लोजर क्या क्या चाहिए होता है देखो यहाँ पर बताया है, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजंस एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, मतलब प्रोविजंस का अमाउंट हम लोग का कितना शुरू में था और कितना एंड में हुआ, क्या प्रोविजंस का अमाउंट चेंज हो सकता है, हो सकता है। जैसे मान लो हम लोगों ने पहले 5% प्रोविजंस क्रिएट किया था डेटर पे, मान लो हम लोग का डेटर था 100, तो 5% क्रिएट किया तो कितना हो गया 95, लेकिन मान लो हम लोग का 4 रुपीज का ही बैड डेप्ट हुआ, 4 रुपीज का ही बैड डेप्ट हुआ जिसको हम लोगों ने प्रोविजन से एडजस्ट किया, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 1 रुपीज का प्रोविजंस ऑलरेडी बचा हुआ रहेगा, ठीक है, 1 रुपीज का प्रोविजंस ऑलरेडी बचा हुआ रहेगा। और इस बार हम लोग चाहते हैं कि 2% का प्रोविजंस बनाएंगे, और मान लो डेटर उतना ही है तो 100 पे 2% यानी 2 रुपीज होता है, ऑलरेडी यहाँ से मेरा 4 ही एक्सपेंस हुआ है, 1 रुपीज मेरा बचा हुआ है, तो वो 1 रुपीज यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करके करेंट ईयर में सिर्फ 1 रुपीज का ही बनाएंगे। ये कैरिंग अमाउंट हो गया ना बचा हुआ अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट शुरुआत में कितना था, कैरिंग अमाउंट जो है एंड में कितना हुआ, इसका हमें जो है हर बार क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए कैरिंग अमाउंट कितना है बिगिनिंग में और एंड में, उसका हमें डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि शुरू में प्रोविजंस, ओपनिंग प्रोविजंस कितना था, क्लोजिंग प्रोविजंस कितना हुआ है। एडिशन टू प्रोविजन इफ एनी, अगर हमें ऐड करना पड़ा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने 1 रुपीज का प्रोविजंस और ऐड किया, तो अगर कुछ एडिशन हो रहा है वो दिखाना चाहिए, और क्या दिखाना चाहिए, अमाउंट यूज्ड अगेंस्ट प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन से कितना अमाउंट यूज हुआ, जैसे मैंने अभी डेटर का एग्जाम्पल दिया 5 रुपीज से 4 रुपीज का एक्चुअल बैड डेट हुआ, तो मैंने 4 रुपीज यूज किया तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। एनी रिवर्सल इफ एनी, रिवर्सल का मतलब जैसे मान लो कि हम लोग का प्रोविजंस में पैसा ज्यादा हो गया, मान लो हम लोगों ने प्रोविजंस बनाया था 1000 रुपीज का प्रीवियस ईयर में, उसमें से हमारा 200 रुपीज का यूज हुआ, बचा कितना 800, इस बार हमें मान लो 700 प्रोविजंस क्रिएट करना है करंट ईयर में, तो फिर भी तो हमारे पास 100 एक्स्ट्रा हो जा रहा है क्योंकि मुझे तो प्रोविजन 700 का क्रिएट करना है, और नया पीएल से चार्ज क्यों करें क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 800 प्रोविजंस में बचा हुआ है बैलेंस, या फिर जिसको बोल सकते हो कैरिंग अमाउंट, तो ये जो 800 से 700 हम लोग यूज कर लेंगे, 100 जो बचेगा वो हम लोग पीएल में फिर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे प्रोविजंस बनाने से एंट्री होता है पीएल टू प्रोविजन, ठीक है, और प्रोविजंस अगर एक्स्ट्रा हो गया तो उसका रिवर्स एंट्री भी डाला जाता है प्रोविजंस टू पीएल, ठीक है, ये सब फाइनल अकाउंट्स में किया जाता है, जो हम लोग का नॉर्मल बेसिकली देखो सारे फाइनल अकाउंट्स में ही हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है किसी का भी, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन ओरिएंटेड इसमें देखोगे तो वो जो हम लोग का इंडिविजुअल लोगों का जो फाइनल अकाउंट्स बनता है, जो इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, वो सारे टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है।
तो कोई भी रिवर्सल अगर हम लोग करें वो भी दिखाना चाहिए, कोई एडिशन करें प्रोविजन पे वो भी दिखाना चाहिए, कितना यूज करें वो भी दिखाना चाहिए, बिगिनिंग में कितना था एंडिंग में कितना हुआ वो भी हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्लोजर क्या क्या चीजों का जरूरत होगा, रीइंबर्समेंट जो बाकी था वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी एक बार बताते हुए जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बोला है कि ड्यूरिंग 2001 एक्स वाई एंटरप्राइज हैज मेड लोअर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एक्स वाई एंटरप्राइज का प्रॉफिट कम हुआ था, ठीक है। हाउएवर टू एंश्योर दैट द अर्निंग पर शेयर डू नॉट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, एक्स वाई एंटरप्राइज डज नॉट प्रोवाइड फॉर वारंटी अमाउंट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर, बोल रहा है कि प्रॉफिट कम हुआ है तो कंपनी चाहती नहीं है कि उसका ईपीएस कम हो, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अब देखो प्रॉफिट कम होने से अगर वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट कम बांटेगी, प्रॉफिट कम हुआ है बोल के, तो ईपीएस कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो मतलब प्रॉफिट को बैलेंस कैसे कर सकती है कंपनी, खर्चे को कम करके कर सकती है। देखो खर्चे को कम करके कर सकती है, कैसे कर सकती है दिखा देते यहाँ पर। जैसे कंपनी क्या कर सकती है, प्रोवाइड फॉर वारंटी अमाउंट, कंपनी ने क्या किया है, डज नॉट प्रोवाइड, प्रोवाइड नहीं किया है वारंटी अमाउंट विच शुड हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर, वारंटी का अमाउंट उसने प्रोवाइड नहीं किया है जो उसको करना चाहिए था, ठीक है। मतलब वारंटी दिया है किसी प्रोडक्ट को सेल करके, उसके अगेंस्ट में जो मतलब अमाउंट प्रोवाइड करके रखना चाहिए, प्रोविजंस बना के रखना चाहिए, वो उन्होंने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए, क्योंकि प्रोविजंस अगर वो बना लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोविजंस अगर बना लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजंस बना लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ईपीएस कम हो जाएगा, ईपीएस कम हो जाएगा तो कंपनी का मार्केट में जो रेपुटेशन है वो खराब होगा। एक्स वाई इज कॉन्फिडेंट ऑफ हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड वुड लाइक टू टेक दिस प्रोविजंस टू द लेटर स्टेज। अब एक्स वाई को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद इस साल तो कम हुआ प्रॉफिट, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो है अच्छा प्रॉफिट होगा, इस बात का इनको कॉन्फिडेंट है। और ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम लोग प्रोविजंस को ज्यादा अमाउंट में नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। दिस एंश्योर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी थ्रू आउट द पीरियड, और इसके हिसाब से कंपनी ये बोलना चाह रही है कि मेरा परफॉर्मेंस आगे जाके कंसिस्टेंट होगा। विथ AS29 दिस एनोमली स्टैंड्स रिमूव्ड, इस तरीके का गलत चीजों को हमें AS29 रिमूव करने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि हमें AS29 क्या बोल रखा है कि अगर पास्ट इवेंट के लिए हमारे कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बनने वाले हैं, ठीक है, पास्ट इवेंट्स के लिए जैसे कि मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, नॉट फ्यूचर, पास्ट इवेंट के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जैसे अगर मैंने किसी प्रोडक्ट पे वारंटी प्रोवाइड किया है तो उसका प्रोविजंस मुझे जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर उस वारंटी पीरियड में किसी का भी कोई प्रोडक्ट खराब होता है वो लेके आता है तो मुझे उसके अगेंस्ट में तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मुझे अगर उनको सर्विस देना है तो मेरा तो एक्सपेंस होगा, तो मुझे तो प्रोविजंस क्रिएट करना चाहिए। इसीलिए AS29 ने क्या बोला है, देखो AS29 ने क्या बोला है, AS29 ने इसीलिए बोला है कि अगर प्रोविजंस तब रिकॉग्नाइज करना है अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस बनेगा पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट क्या था, सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस क्या बना है, बनेगा वारंटी पीरियड में अगर किसी का प्रोडक्ट खराब हुआ तो, और प्रोबेबल कितना है, मतलब वो तो हमें पता होगा हम लोगों ने कितने सारे फीचर्स के ऊपर वारंटी प्रोवाइड किया है, तो एक प्रोडक्ट पे हमारा मैक्सिमम कितना खर्चा जा सकता है, ठीक है, तो वो भी प्रोबेबल जरूर होगा। और इसको हम लोग अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट भी कर सकते हैं, जैसे मान लो एक फ्रिज के ऊपर वारंटी प्रोवाइड है, अब उन्होंने बोला है कि आपका ये सारे पार्ट्स पे वारंटी प्रोवाइड है, ये सारे पार्ट्स अगर खराब हुए तो आपको हम लोग फुल्ली रिप्लेसमेंट देंगे, तो उनको तो पता होगा पार्ट्स का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से रिलायबली एस्टिमेट भी वो कर पा रहे हैं, प्रोबेबल भी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस भी है, तो कंपनी बोल रही है मेरा प्रॉफिट कम है, ईपीएस कम हो दिखेगा अगर प्रोविजंस बना लेते हैं, हम नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं बोल सकती है, इसी वजह से AS29 को इंट्रोड्यूस किया गया, ये चीज बोल रहा है। सेकेंड और एक एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल्स इसीलिए बोल दे रहे हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस जो है बना के दे सकता है। ड्यूरिंग 2001 एबी शॉप हैज मेड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, बोल रहा है एबी जो शॉप है इन्होंने एक अच्छा अमाउंट जो है प्रॉफिट कमाया है। दिस मे हैव रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन दिस प्रॉफिट, अब अगर अच्छा प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। फर्दर एबी शॉप्स मैनेजमेंट फोर्सेस इज चैलेंजेस इन ऑपरेशंस इन लैटर ईयर्स, इनको लग रहा है कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट ना कम हो सकता है, और हम लोग का जो मतलब बोल रहा है कि इनको फ्यूचर में प्रॉफिट कम दिखेगा, इनको ऐसा लगता है।
एबी शॉप डिड नॉट क्रिएट प्रोविजन ड्यूरिंग 2002, तो बोल रहे हैं कि लेटर ईयर कौन सा हो गया, 2001 के बाद 2002। 2001 में इनका प्रॉफिट हाई लेवल का था, ठीक है, फिर इनको लगा कि आगे जाके फ्यूचर में इनका प्रॉफिट कम होने वाला है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल रहा है कि हम लोग 2002 में किसी तरीके का प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा, वी शुड हैव बीन अदरवाइज मेड, इसको कभी और बनाएंगे। हाउएवर टू गेट दिस डिजायर्ड इंपैक्ट एबी शॉप क्रिएटेड द प्रोविजंस इन 2001, तो इन्होंने क्या किया कि 2001 में प्रोविजंस बनाया है, ठीक है, प्रोविजंस बनाने का सोचा है, लेकिन आगे जाके क्योंकि प्रॉफिट कम कमाएंगे तो बोल रहे हैं प्रोविजंस नहीं बनाएंगे। सिंस द इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर, सही बात है, क्योंकि प्रॉफिट कम ज्यादा से प्रोविजंस नहीं बनता है, प्रोविजंस बनता है पास्ट इवेंट के प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस से। अगर ऐसा हमारे पास कुछ सिचुएशन है, रिलायबली एस्टिमेट है, प्रोबेबल है, तो हमें प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट कम ज्यादा से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा है AS29 वुड एंश्योर एप्रोप्रिएट प्रोविजंस आर मेड इन 2002 ओनली, तो AS29 बोल रहा है नहीं, आपको 2002 में ही प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं होता है, प्रोविजंस का अपना ही अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए AS29 आया, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, कंपनी जो है प्रॉफिट को मैनिपुलेट ना करे, अपने जरूरत के हिसाब से, ऐसा ना हो, इस वजह से AS29 आया है। देखो, हायर प्रॉफिट होने से कंपनी बोल रही है हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, और लेस प्रॉफिट होने से लेस प्रॉफिट हो जाएगा। देखो, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखे, पूरे चीजों को बताया, बोला है कि अगर प्रॉफिट हायर होता है तो कंपनी क्या करती है, प्रोविजंस क्रिएट करती है, ठीक है, क्रिएट प्रोविजंस व्हाइल इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी प्रोविजंस बना दी, इससे क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट कम दिखेगा। ये रहा पीएल, पीएल में कंपनी को प्रोविजंस बनाना है लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उसने प्रोविजंस बना दिया, तो ऑब्वियस सा बात है कि नेट प्रॉफिट हम लोग का कम दिखेगा, मान लो यहाँ पर YGP, ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस के साथ कंपनी ने प्रोविजंस भी बनाया जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इससे कंपनी को बेनिफिट क्या है कि उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट जब कम होता है तो कंपनियां क्या करती है, कंपनी डू नॉट क्रिएट प्रोविजंस व्हाइल इट इज रिक्वायर्ड, जरूरत होने पर भी प्रोविजंस नहीं बना रही है, बोल रही नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट कम है, अगर प्रोविजंस बनाएंगे ईपीएस कम हो जाएगा, काफी सारा चीज सोच रही है, और इससे क्या हुआ, सो हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और हाईर ईपीएस भी दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो अप्रोच है ना ये गलत है, ठीक है, कंपनी अपने मन से प्रॉफिट को मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। दस एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्रोविजन इज एसेंशियल टू रूल आउट द पोटेंशियल स्कोप फॉर कंपनी टू मैनिपुलेट प्रॉफिट, एंड प्रोविजंस आर मेड ऑन वैलिड ग्राउंड्स बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बीइंग मेट, बोल रहा है कंपनी को प्रोविजंस जो है वैलिड ग्राउंड्स पे बनाने चाहिए, और कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए उसका जो क्राइटेरिया है उसके लिए ही AS29 को इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी चीज मैंने बताया है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, चलो बताते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल 3, इसमें क्या बोला है, देखो, एक्स लिमिटेड सेल्स रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बेचा है विद ए वारंटी ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का वारंटी पीरियड दिया है उस प्रोडक्ट पे, द रेफ्रिजरेटर वुड बी रिपेयर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने बोला है कि वारंटी पीरियड में अगर खराब होगा तो हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर कर देंगे, ठीक है, इफ सम प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द सेल्स, 6 महीने के अंदर होना चाहिए तभी हम लोग फ्री में करेंगे, ठीक है, वो तो वारंटी का कंडीशन है। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस फॉर एक्स लिमिटेड, ऑब्वियसली प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होगा क्योंकि सेल हो चुका है प्रोडक्ट, तो अगर खराब हुआ, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, हमें क्या पता कि खराब होगा नहीं होगा, हम लोग अंतर्यामी थोड़ी ना कि पता चल जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमें पता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पास्ट इवेंट कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो बनता है अगर खराब हुआ तो बोल रहा है कि दिस प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, इसीलिए बोला है प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे इसका एविडेंस हमारे पास रहेगा सेल करने के बाद, ठीक है, तो बोल रहा है बिकॉज इफ सम डिफेक्ट अराइजेस, क्योंकि कोई डिफेक्ट अराइज हो ही सकता है, एक्स लिमिटेड वुड नीड टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एक्स लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा,
बोल रहा है कि वुड नीड टू इनकर एक्सपेंसेस, अगर ऐसा हुआ, डिफेक्ट अराइज हुआ, तो फिर एक्स लिमिटेड को जो एक्सपेंस करना है, जैसा डिफेक्ट होगा उस हिसाब से रिपेयर करके देना पड़ेगा. दस द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. तो एक्स लिमिटेड के बुक्स में ऑब्वियसली प्रोविजन बनना चाहिए. क्यों बनना चाहिए, ये एग्जाम्पल हमें क्या सिखा रहा है कि प्रोविजन क्यों बनना चाहिए. बिकॉज प्रोविजन इसीलिए बनना चाहिए क्योंकि पास्ट इवेंट क्या था, सेल हुआ था विथ वारंटी. ठीक है, सेल तो किए थे लेकिन विथ वारंटी, तो फिर हम लोग का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जरूर होता है उस प्रोडक्ट के. खराब होगा तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा. और प्रोविजन क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोबेबल है, क्योंकि चांसेस होता है, तभी तो प्रोडक्ट पे वारंटी जाता है. अगर देखो लोगों को पता होगा कि रेफ्रिजरेटर तो मेरा कभी खराब होगा ही नहीं, तो लोग वारंटी के लिए पेमेंट करना पड़ता है कि आप इतने साल का वारंटी लोगे तो एक्स्ट्रा इतना देना पड़ेगा, तो लोग वारंटी नहीं लेते. ठीक है, लेकिन लोगों को पता है तभी तो कंपनियां भी वारंटी दे रही है. ठीक है, और रिलायबली हम लोग एस्टिमेट भी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी को खुद पता है कि कितने अमाउंट का वो वारंटी दे रही है एक प्रोडक्ट पे, कि हाँ ये चीजों पे हम लोग वारंटी दे रहे हैं, तो उनको पता है कि इस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारा कितना खर्चा हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए प्रोविजन जरूर बनना चाहिए, यहां पर बता दिया. फिर फोर्थ नंबर में देखो, जेड लिमिटेड टेक्स ए बिल्डिंग ऑन ए लीज फॉर 10 ईयर्स. जेड लिमिटेड ने एक बिल्डिंग लिया था लीज में 10 साल के लिए. द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट जेड लिमिटेड मस्ट वैकेट द बिल्डिंग इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन. लेकिन एक कंडीशन था, ठीक है, जिन्होंने रेंट दिया था उनके साथ जेड लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. क्या हुआ था कि जेड लिमिटेड को वो जगह जब खाली, मतलब वो बिल्डिंग जब जेड लिमिटेड खाली करके जाएगा, तो जैसा कंडीशन है वैसा करके जाएगा. जैसे देखो कोई रेंट पे घर लेता है तो अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकता है. ठीक है, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकता है. अब जिन्होंने घर दिया है, बिल्डिंग दिया है रेंट पे, लीज पे, बेसिकली 10 साल है तो लीज, तो उन्होंने बोला है कि जब जाओगे तब जैसा था मेरा वैसा करके जाना है. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया. जेड लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दैट देयर इज लाइकली कॉस्ट ऑफ 10 लाख टू बी स्पेंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर फॉर रिस्टोरेशन. अब देखो मान लो इनका ऐसा था, इन्होंने इस तरीके डेकोरेशन अंदर कर डाला. अब आफ्टर टेन इयर्स इनको पता है, देखो इनको चेंज करना था अंदर का सिचुएशन, जेड लिमिटेड को पता था और ये भी पता था 10 साल बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो मुझे ऐसे करके जाना है. ठीक है, तो उनको पता है कि उनका खर्चा कितना होने वाला है, तो उनको पता है कि इसको एज इट इज कंडीशन में पहुंचाने का 10 लाख का खर्चा होगा. तो वो तो उसी दिन पता चल गया होगा जिस दिन उन्होंने इसके अंदर जो भी डेकोरेशन किया होगा, उनको पता चल गया ये सबको एज इट इज फिर से कर देने के लिए हमारा 10 लाख का खर्चा होगा. तो देखो बोल रहा है सिंस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस बन गया, एस्टीमेट भी कर पा रहे हैं कितना अमाउंट होगा और प्रोबेबल भी है करना ही पड़ेगा, नहीं करके नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो चुका है. एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू द लीज कॉन्ट्रैक्ट, वही हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, प्रोविजंस टू द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ दिस अमाउंट शुड बी क्रिएटेड. तो हमें क्या करना है, प्रोविजंस जरूर क्रिएट कर लेना है, यही चीज बताए. ठीक है, तो ये सब हमें एस 29 समझाने में हेल्प करता है, क्यों प्रोविजंस बनाएंगे, कब बनाएंगे. ठीक है, अच्छा और देखते हैं एग्जाम्पल 5, इसमें क्या बोला है. देखो केल लिमिटेड सेल्स लैपटॉप्स विथ अ रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफ 1 ईयर. इन्होंने लैपटॉप सेल किया है जिसमें एक रिप्लेसमेंट वारंटी, मतलब कुछ खराब हुआ 1 साल के अंदर तो हम लोग उसे रिप्लेस कर देंगे, प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोल रखा है. तो अगर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इनका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगा, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो आएगा ही पास्ट इवेंट के लिए. पास्ट इवेंट क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना. दूसरा प्रोबेबल है, ठीक है, प्रोबेबल है कि ऐसे चांसेस होते होंगे, तभी उन्होंने बोला हम रिप्लेस कर देंगे. दूसरा एस्टिमेटेड भी होगा क्योंकि उनको पता है कि रिप्लेसमेंट करने का खर्चा कितना होगा. इफ रिलायबली एस्टिमेट, ठीक है, इफ सम happens to the laptop within 1 year of purchase, the company would replace the complete laptop. ये few laptop during past year have been replaced by Kale Limited. कुछ laptop को replace करना पड़ा. In the above situation, Kale Limited would incur some expenses to replace a laptop. Laptop को replace करने के लिए उनको जो भी खर्चा होगा, if something goes wrong,
ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि मुझे लैपटॉप रिप्लेस करने का खर्चा करना पड़ सकता है अगर कुछ ऐसा हुआ तो। देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज यानी कैश का आउटफ्लो होगा एक्सपेक्टेड टू सेटल द ऑब्लिगेशंस दैट अराइजेज बाय वर्चू ऑफ सेल ऑफ लैपटॉप, मतलब पास्ट इवेंट। तो हमारा पास्ट इवेंट था लैपटॉप सेल करना, और ये सेल करते वक्त क्योंकि हम लोगों ने वारंटी प्रोवाइड कर रखा था, तो हम लोग का कोई भी ऑब्लिगेशन वारंटी पीरियड के अंदर जो भी दिया है वो ऑब्लिगेशन हमारा जो है जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो हमें प्रोविजन बना लेना चाहिए, वही बोला है। एग्जाम्पल सिक्स में क्या बोला है देखते हैं। एग्जाम्पल सिक्स में बोला है, एबी लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए नोटिस फ्रॉम वन ऑफ द कस्टमर अबाउट द हेल्थ इशू फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ एबी लिमिटेड। तो एबी लिमिटेड ने अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा था और उन्होंने कंप्लेन किया है कि आपका प्रोडक्ट यूज करके मेरा हेल्थ इश्यूज हो गया है। द कस्टमर इन द नोटिस क्लेम्स डैमेजेस ऑफ 5 लाख। तो कस्टमर ने, जिन्होंने इस तरीके का जो है कंप्लेन लॉन्च किया है, उन्होंने बोला है कि मेरा जो डैमेज हुआ है उसके लिए हम 5 लाख रुपीज का क्लेम कर रहे हैं। द कंडीशंस ऑफ पास्ट इवेंट दैट इज सेल ऑफ गुड्स रिजल्टिंग इन डैमेज। ठीक है, देखो हम लोग का क्या हुआ, पास्ट इवेंट क्या था एबी लिमिटेड की तरफ से, कि इन्होंने शायद कुछ डैमेज प्रोडक्ट बेचा होगा जिसका यूज करके उनका जो है हेल्थ इश्यूज हुआ है। ठीक है, एंड रिलायबल एस्टिमेट 5 लाख हैव बीन मेड, और रिलायबली एस्टिमेट हुआ है उस वैल्यू का जो कि 5 लाख है। हाउएवर वेदर एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी प्रोबेबल और नॉट कैन नॉट बी कंफर्म सिंस द कस्टमर मे और मे नॉट विन द केस। अब ऐसे ही अगर कोई ओरली आके बोल दिया कि मेरा हेल्थ इश्यूज है, आपके वजह आपके प्रोडक्ट का यूज करके हुआ है, तो मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, तो ऐसा तो कोई देगा नहीं। कोर्ट में प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कोई अपने प्रोडक्ट को थोड़ी ना खराब बोलेगा, वो तो बोलेगा नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसको प्रूफ करने के लिए कस्टमर को उसके ऊपर केस करना पड़ेगा। ठीक है, अब केस होगा तो केस चलेगा, उसमें जज जो फैसला सुनाएंगे वही जो है मतलब उसी के बेसिस पे जो भी करना है वो करना पड़ेगा। तो देखो, वेदर एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी प्रोबेबल और नॉट, मतलब 5 लाख रुपीज डैमेज क्लेम जो किया जा रहा है वो क्लेम हमें देना है या नहीं देना है, वो कंफर्म तभी होगा जब कस्टमर उस केस को विन कर जाएगा। अगर नहीं जीता, हार गया, तो नहीं देना पड़ेगा। दिस वुड बी क्लियर ओनली वेन द डिसीजन विल बी टेकन बाय द कोर्ट। तो ये तभी डिसीजन जो है हम लोग मतलब कोर्ट का डिसीजन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो हेंस इन द अबव सिचुएशन नो प्रोविजन फॉर डैमेज विल बी मेड, हाउएवर ए डिस्क्लोजर ऑफ द केस फाइल इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो हमें इसमें प्रोविजंस नहीं बना के देना है, क्योंकि हम प्रोविजंस क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ये सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है, प्रोविजंस इसीलिए नहीं बनेगा। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होने का चांसेस जो है वो प्रोबेबल नहीं है कि हम लोग उसका रिकॉग्निशन कर दे। ठीक है, वो रीजनेबली पॉसिबल है या फिर रिमोट, रिमोट हुआ तो इग्नोर कर देंगे, रीजनेबली पॉसिबल वो तो देखो एबी लिमिटेड को समझना पड़ेगा कि अगर रीजनेबली पॉसिबल है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फुटनोट में दिखाना पड़ेगा, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने सोचा है कि रीजनेबली पॉसिबल है, नो प्रोविजन फॉर डैमेज विल बी मेड, प्रोविजन नहीं क्रिएट करना है, मतलब रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करना है, डिस्क्लोजर हम लोग बना सकते हैं ऑफ द केस, और डिस्क्लोजर ऑफ द केस फाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, हम लोग इसका सिर्फ एक डिस्क्लोजर बना सकते हैं। ठीक है, फिर 7th नंबर में देखो क्या बोला है, ए कस्टमर ऑफ एक्स वाई जेड हैज फाइल्ड ए केस अगेंस्ट देम फॉर प्रोवाइडिंग देम रॉन्ग प्रोडक्ट एंड नॉट रिटर्निंग द सेल। ठीक है, एक एक कस्टमर है एक्स वाई जेड बोल के किसी कंपनी का, उन्होंने केस फाइल किया है और ये बोला है कि फॉर प्रोवाइडिंग देम, ठीक है, रॉन्ग प्रोडक्ट बोल रहा है, कस्टमर का क्लेम ये है कि एक्स वाई जेड ने ना मुझे कोई गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, आई एम नॉट रिटर्निंग द सेम। एक्स वाई जेड हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम देयर लॉयर हु बिलीव्स इट इज नॉट प्रोबेबली येट दैट रिसोर्सेज मे बी रिक्वायर्ड टू सेटल द सेम। एक्स वाई जेड ने अपने लॉयर से बात किया, लॉयर ने बोला कि आपका कस्टमर अगर आप पे केस कर भी देता है तो ये इतना ज्यादा प्रोबेबल नहीं है कि आपको कुछ कैश आउटफ्लो करना पड़े, मतलब प्रोबेबल है नहीं ये सिचुएशन। ठीक है, नॉट प्रोबेबल है सीन्स इट इज नॉट मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजंस। तो अगर प्रोबेबल नहीं है तो फिर प्रोविजंस का क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, क्योंकि प्रोविजंस तभी बनेगा जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होगा। जब प्रोबेबल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो प्रोविजंस कैसे बनेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड विल बी जस्ट डिस्क्लोज इन द
नो तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्यों कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब देखो, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब पास्ट इवेंट से देखो, उन्होंने सेल किया था, फिर कस्टमर का अपना कुछ क्लेम है कि भाई इन्होंने मुझे गलत प्रोडक्ट दिया है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है। लेकिन इसको पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है पहला बात है, तो अगर सिर्फ पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है तो वो तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगा, क्योंकि पॉसिबल ऑब्लिगेशंस इसीलिए है क्योंकि वो कोर्ट में केस जीतेगा या हारेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें क्लेम देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऊपर से लॉयर बोल रहा है कि प्रोबेबल ऐसा है कि प्रोबेबल मतलब प्रोबेबल नहीं है या फिर इतना कम प्रोबेबल है कि हमें इसका जो है पेमेंट करना ना पड़े, तो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जब प्रोविजंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तीनों क्राइटेरिया, तो प्रोविजंस तो बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो ट्री दिया हुआ है इसको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। देखो हम लोग जो डेफिनेशन लिखे वहां पर देखो, जैसे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, अगर हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, हाँ होने से प्रोबेबल आउटफ्लो है कि नहीं देखो, फिर देखो रिलायबल एस्टिमेट है कि नहीं। अगर तीनों कंडीशन हाँ हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है प्रोविजंस। ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ होगा, प्रोवाइड मतलब प्रोविजंस बनाना है। अगर हम लोग का प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस नहीं हो रहा है, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हो रहा है और उसका वैल्यू रिमोट है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और उसका वैल्यू रिमोट है, तो डिस्क्लोज करना है कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के। या फिर देखो ये हाँ हुआ बट प्रोबेबल आउटफ्लो ना हो गया, ठीक है, तो भी रिमोट, तो भी हमें डिस्क्लोज करना है कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के। अगर प्रोबेबल आउटफ्लो है लेकिन एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, ये रेयर केस में होता है, तो भी हमें डिस्क्लोज करना है कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के। ठीक है, और अगर देखो हम लोग का प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस जो है वो ना है, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस भी ना है, तो कुछ नहीं करना है, ना तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना पॉसिबल। उसके बाद प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस है लेकिन आउटफ्लो नहीं होगा, और वो अगर नहीं होगा और ऊपर से वो रिमोट है, रिमोट है मतलब जो है कि बहुत ही कम मतलब ना के बराबर है चांसेस, तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्री जो है वो चलेगा। तो मैंने ऑलरेडी ये चीज लिखवा दिया, ये ट्री का भी तुम लोग यूज कर सकते। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस में, वो तो कुछ एग्जांपल्स देखा हम लोगों ने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, चार ही क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चंस देखो यहाँ पर क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 दिसंबर 2001 ए कंपनी फाइंड्स दैट देयर आर 20 लॉ सूट्स आउटस्टैंडिंग व्हिच हैव नॉट बीन सेटल्ड टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोल रहा है कंपनी ने देखा कि उनके अगेंस्ट में 20 केसेस ऑलरेडी दर्ज है, ठीक है, 20 केसेस जो है वो ऑलरेडी उनके ऊपर कोई कर रखा है अलग अलग लोगों ने, और वो उसका फैसला नहीं आया है। आउटस्टैंडिंग होने का मतलब उसका फैसला नहीं आया है, अभी तक सेटल नहीं हुआ है ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, मतलब हमारा बैलेंस शीट बनने के बाद जो अप्रूवल डेट होता है ना, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च को ही पूरा पूरा बन नहीं जाता है, उसका वो प्रोसेस होता है, टाइम लगता है कंप्लीट होने में रियलिटी में, तो वही बोल रहा है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी तक अप्रूवल भी नहीं किया अकाउंट्स का, और कुछ डैमेजेस कुछ लॉ सूट्स है उसका भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। पॉसिबल आउटकम एज एस्टिमेटेड बाय द बोर्ड इज एज फॉलोज, तो बोर्ड ने पॉसिबल आउटकम ढूंढ निकाला है कि उस केसेस पे क्या होने वाला है। जैसे कि बोला है कि 5 केसेस हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है, अगर जीत जाएंगे इसका चांसेस क्या बोला है 100%, ठीक है, तो अगर चांसेस 100% हम लोग जीत जाएंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, कंटिंजेंट एसेट, ठीक है, कंटिंजेंट एसेट। देखो पक्का तो नहीं है लेकिन 100% हमें लग रहा है कि हम लोग जीत जाएंगे, तो जीत जाने का मतलब ना तो लाइबिलिटी ना तो प्रोविजंस बनाना है, तो ये हम लोग का कंटिंजेंट एसेट। अब हमें जैसे कि पता है कि एसेट को तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, जब वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, ये तो प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन अगर हमें 100% चांसेस है जीत जाने का तो हम लोग इसे कंटिंजेंट एसेट ही बोलेंगे। अच्छा इसके बाद देखो नेक्स्ट 10 केसेस, टोटल 20 केसेस का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ 5 केस हो गया, यहाँ पर बाकी आगे का 10 केसेस का क्या है, ये हम लोग विन हो जाएंगे इसका चांसेस है 50%, यहाँ पर लूज हो जाएगा मतलब हार जाएंगे इसका चांसेस है 40%, और यहाँ पर चांसेस है हार जाने का 10%, और डैमेज का अमाउंट भी दे दिया है कि अगर हम लोग ये केस हार जाते हैं तो 1,20,000, ये केस हारेंगे तो 2,00,000 का जो है टोटल लॉस हो सकता है। लेकिन यहां पर देखो
ये है टोटल लॉस का अमाउंट। अगर हम लोग ये केस, ये जो दो केस है 10 में से, ये दो केस, जैसे कि देखो ये नेक्स्ट 10 केसेस का पहला केस हम लोग विन कर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 40% हमारा डैमेज हो सकता है टोटल लॉस का, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि लॉस हो सकता है इसका चांसेस है 10%, ठीक है, और टोटल लॉस है इतना। फिर रिमेनिंग 5 केसेस, बाकी 5 केसेस का क्या बोला है, देखो यहाँ देखो 5 विन हो गया, ठीक है, 5 केस विन, 10 केस जो है विन, ठीक है, अच्छा 10 केस विन, और यहाँ पर 1 और 2, 5, 10, 15, 16, 17, ठीक है, टोटल कितने केसेस है 20। अच्छा फिर 5 केसेस का क्या बोला है, विन होने का चांसेस क्या है 50%, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो लॉस होने का चांसेस 30% और लॉस होने का चांसेस 20%, टोटल लॉस 1 लाख और 2 लाख 10 दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे करो, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 20 केस हुआ कि नहीं चेक कर लो, ये देख 5 केस 10 केस 15, और ये रहा 5, 15 और 5 20 केस हो गया, ठीक है। तो अब जितने हमारे मतलब विन केसेस है, जैसे कि ये वाला विन केसेस, ये वाला, ठीक है, विन केसेस ये वाला, अगर हमें लगता है कि जीतने का चांसेस है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंटिंजेंट एसेट। देखो जितना भी विन सिचुएशन है, चाहे चांसेस 50% हो या 100% हो, ये हम लोग का क्या होता है, कंटिंजेंट एसेट, ठीक है। लेकिन जो हमें लग रहा है कि हम लोग हार जाएंगे, ठीक है, जो हमें लग रहा है वो हार जाएंगे, वो कितने सारे केसेस हो गया, ये देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये दोनों, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इस तरीके से लग रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं, देखते क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आउटकम ऑफ ईच केस इज टू बी टेकन एज सेपरेट एंटिटी, ठीक है, हमें हर एक केस का आउटकम को अलग एंटिटी का आउटकम के हिसाब से ट्रीट करना है, मतलब इंडिविजुअली मानना है। एसर्टेन द अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट लॉस एंड अमाउंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ, तो हमें कंटिंजेंट लॉस कितना है उसका अमाउंट बताना है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंट्स में वो हमें बताना है। देखो जो हमारा कंटिंजेंट एसेट है, जो कि हमारा विन केसेस है, वो कंटिंजेंट एसेट है, जो हमारा लूज या लॉस हो जाएगा वो हम लोग का जो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है, कंटिंजेंट लॉस या कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं। अब देखो कैसे लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू AS 29, जैसे कि हमारा AS 3 पार्ट्स में लिखना चाहिए, तो पहला लिखा हुआ है कि प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, ये तीनों चीज का ये नाम हो गया AS 29, रिवाइज प्रोविजन फॉर प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्योंकि ये सिचुएशन हम लोग का कंटिंजेंट लाइबिलिटी का हुआ, ठीक है। क्यों कंटिंजेंट लाइबिलिटी हुआ उसको समझो, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या था, देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब है पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होगा, पहला बात है, और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हुआ भी तो वो प्रोबेबल नहीं होगा और रिलायबली एस्टिमेट होगा, ठीक है, सॉरी नॉट रिलायबली एस्टिमेट होगा, रिलायबल एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड, यानी कि नॉट रिलायबली एस्टिमेट होगा। अब देखो जितने भी हमारे लॉस सिचुएशन, ये चार, ठीक है, ये जो चार लॉस सिचुएशन है सभी देखो हम लोग का क्या है, नॉट प्रोबाबल है, नॉट प्रोबाबल, क्यों, क्योंकि प्रोबाबल होने का मतलब होता है कि लगभग 80 to 90% बोल सकते हैं, ठीक है, ये सभी देखो लेस देन 50% है, 50% से नीचे है, 50% से नीचे होने का मतलब ये सिचुएशंस, मतलब ये लॉस होने का चांसेस जो है वो हम लोग का कैसा है, वो हम लोग का जो है रिमोट है बोल सकते हो, या फिर हम लोग किसी किसी केस में जहां 50% है, चलो 50 तो कहीं नहीं है, 50 कहीं नहीं है, यहाँ पर ये जो है 50-50% के लिए लैंग्वेज यूज होता है, और ये जो है 80-90% के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये जो है उससे भी कम, तो इसका मतलब रिमोट हो गया, ठीक है, इसका मतलब रिमोट हो गया, चांसेस आउटकम आउटफ्लो होने का चांसेस जो है वो रिमोट है, ठीक है। तो इसका मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्वेश्चन ने इसका कंक्लूजन क्यों दिया है, क्योंकि रिलायबिली एस्टिमेट जो है वो
एस्टिमेट रिलायबली अगर थोड़ा बहुत हो भी पा रहा है तो प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रोबेबल नहीं है तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगा, क्योंकि प्रोविजंस होने के लिए प्रोबेबल तीनों कंडीशन होना चाहिए। तो प्रोबेबल तो नहीं हो रहा है तो फिर वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगा। यहाँ पर वही बोला है, देखो क्या बोला है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये क्वेश्चन कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कब हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड करते हैं, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो है पास्ट इवेंट के लिए, लेकिन इसका हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज नॉट प्रोबेबल, क्वेश्चन देखो ये प्रोबेबल नहीं है, परसेंटेज देख के पता चला, दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशंस। इसका कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि हमें इसके लिए कैश आउटफ्लो करना पड़े। प्रोबेबल तब होता है जब 80-90% चांसेस होता केसेस को हार जाने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट रिमोट। बोल रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्पोर्टिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट रिमोट। बोल रहा है कि कैश आउटफ्लो होने का जो पॉसिबिलिटी है वो रिमोट नहीं है, ठीक है। रिमोट देखो, रिमोट एक्चुअली 10% होने से होता है, यहाँ पर हम लोग का 10% से भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का 40, 10, 30, 20 ऐसे दिया है, तो इनके हिसाब से देखो वैसे कोई भी एस में, ना तो AS4 ना तो AS29, परसेंटेज हमें वैसे कोई डिफाइन करके नहीं दिया है। फिर भी जो है 50-50% होने से हम लोग का जो है वो 50% के आसपास होने से उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का क्या होगा, प्रोबेबल जो है रीजनेबली पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल दिया है कि प्रोबेबल नहीं है, नॉट प्रोबेबल, नॉट रिमोट भी मान रहा है ये लोग। द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विथ सफिशियंट रिलायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन्स। और प्रोविजन्स कितना करना है इसके लिए अगर हमारे पास कोई सफिशियंट रिलायबल अमाउंट नहीं है तो हम लोग प्रोविजन्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल यही बताया है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी कब हम लोग किसी सिचुएशंस किसी कंडीशंस को मानते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये कंडीशंस फुलफिल होता है। क्या क्या कंडीशंस है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। देख लो मैंने भी डेफिनेशन में वही लिखवाया है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो है लेकिन हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो प्रोबेबल नहीं है और रिलायबली एस्टिमेट नहीं है। वही चीज इन्होंने लिखा, इट इज नॉट प्रोबेबल, ये डेफिनेशंस बोला है, तो सारी चीज हमें बोलने पड़ेंगे कि ये प्रोबेबल नहीं है। दूसरा यहाँ पर रिमोट वाला पॉइंट ऐड कर दिया है, मैंने ये वाला डेफिनेशन में नहीं लिख पाया है, लेकिन ये जरूर बोला है कि कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। तो ये तीन कंडीशन होने पे हम लोग का अगर कोई इंसिडेंट है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है। अब इस केस में क्या बोला है, ये तो इन जनरल डेफिनेशन दिए हुए हैं, यहां से भी तुम लोग लिख सकते हो या फिर तुम लोग मेरा ये पॉइंट लिखोगे इस क्वेश्चन के लिए यहां से लेके यहां तक तो भी बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले स्टार्टिंग का डेफिनेशन। अब इस केस में क्या हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ फर्स्ट 5 केसेस इज 100%, जो मैंने तुम लोग को बोला वो हम लोग का कंटिंजेंट एसेट होगा। एंड हेंस क्वेश्चनिंग और प्रोवाइडिंग फॉर कंटिंजेंट लॉस डज नॉट अराइज। अगर 100% चांस है कि केस जीत जाएंगे तो फिर कंटिंजेंट लॉस बनाने का तो कोई सिचुएशन दिख ही नहीं रहा है, ये पहले वाले केस का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है पढ़ के देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ नेक्स्ट 10 केसेस इज 50% एंड फॉर रिमेनिंग 5 केसेस इज 50%। और भी ऐसे 5 और 5 केसेस है जिसमें हमें 50-50% चांसेस है कि हम लोग केस जीत जाएंगे। ये देखो विन 50% और ये देखो विन 50%, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 10 केसेस और यहाँ पर 5 केसेस ऐसे लग रहे हैं कि जिसका चांसेस जो है हम लोग जीत जाएंगे, 50-50% चांसेस है। तो उसका क्या करना चाहिए, बोल रहा है एज पर AS 29 वी मेक ए प्रोविजंस इफ लॉस इज प्रोबेबल। हम लोग प्रोविजन सिर्फ तभी बनाते हैं अगर हमारा कोई लॉस होने वाला है, प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना है। केस जीतने का मतलब हमारा फायदा, प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं। एज द लॉस डज नॉट अपीयर टू बी प्रोबेबल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट, देयरफॉर डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ नोट शुड बी मेड। बोल रहा है क्योंकि
लॉस होने का तो कोई चांसेस हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। और हमारे पास इसी वजह से ना तो कोई इकोनॉमिक मतलब जो बेनिफिट्स है यानी कैश आउटफ्लो होने का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देयरफॉर डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ नोट शुड बी मेड। तो हम लोग सिर्फ इस बात को डिस्क्लोज कर देंगे कि ये हमारा कंटिंजेंट एसेट है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी बाय वे ऑफ नोट अमाउंट में भी कैलकुलेटेड एज अंडर। लेकिन जो हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। लाइबिलिटी कहाँ कहाँ है, ये जितने भी हमारे लॉस है जैसे कि 1,20,000 और 2 लाख, इधर 1 लाख और इधर 2,10,000, तो इसपे कितना चांसेस है 40%, इस पे कितना चांसेस है 10%, इस पे 30% डैमेज होगा, इस पे जो है 20% डैमेज होगा। तो देखते हैं कितना निकल के आता है। ये हो गया 48,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 20,000, ठीक है। और ये हम लोग का हो गया 30,000, और ये हम लोग का हो गया 42,000, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये टोटल कितने केसेस पे है, ये देखो 10 केसेस पे। नेक्स्ट 10 केसेस का वी लूज लूज ये बताए, 10 में से ये बताए, ठीक है। तो ये 10 केसेस का, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का 5 केसेस का। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है, ये दोनों का टोटल करने से आ रहा है हम लोग का 68,000 इंटू 10, और ये हो जाएगा 72,000 इंटू 5, तो ये हो गया 6,80,000, और ये हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 प्लस 6,80,000 टोटल कर, प्लस 6,80,000, 10,40,000 का हमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए। ये देखो, देख लेते हैं एक बार, 10 लाख, हाँ ये देखो 10,40,000, देखो हम दिखा देते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस इन नेक्स्ट 10 केसेस 40% ऑफ 1,20,000, ये देखो 40% ऑफ 1,20,000 किया था, 48,000 आया था, 10% ऑफ 2 लाख यहाँ पर था, 20,000 आया था, ये देखो 48 और 20, ठीक है 68,000। और लॉस इन रिमेनिंग 5 केसेस 30% ऑफ, ये देखो 3 लाख, और 20% ऑफ 2,10,000, 42,000 टोटल। टू डिस्क्लोज कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम लॉस will be highly unrealistic, therefore the better approach will be to disclose the overall expected loss of 10,40,000। तो ये देखो टोटल एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये लाइन भी बताते हैं क्या बोला है। देखो पहले हम लोगों ने कैलकुलेशंस करना सीख लिया कैसे करके करना पड़ेगा, और ये 10 और 5, ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है ये हम और एक बार बताते हैं 10 5 कैसे आया। और ये लाइन एक बार देख लो, टू डिस्क्लोज कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम लॉस विल बी हाईली अनरियलिस्टिक, बोल रहा है कि मैक्सिमम लॉस के साथ कंटिंजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करना ये रियलिस्टिक नहीं है। देयरफॉर द बेटर अप्रोच क्या है कि हम लोग इसे डिस्क्लोज करेंगे ओवरऑल एक्सपेक्टेड लॉस, मतलब बोल रहा है कि 100% लॉस मत बुक करो, जितना एक्सपेक्टेड है उतना बुक करो। तो हम लोग 40, 10, 30, 20 इस तरीके से बुक किया है, तो उस हिसाब से हम लोग का 10,40,000 आया, मतलब लॉस है। इसका मतलब नहीं कि पूरा लॉस बुक कर दो, जितना चांसेस है उतना लॉस बुक करो, तो यहाँ पर वही बोल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस जो है वो रिकॉर्ड नहीं करके बेटर अप्रोच ये है कि एक्सपेक्टेड लॉस को हम लोग बुक करें, मैक्सिमम नहीं, एक्सपेक्टेड। मैक्सिमम कितना लॉस होगा वो तो देखो पूरा हो सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, ये पूरा 2,01,20,000 का 1,00,000, 2,00,000 का 2,00,000, 1 लाख और इधर 2,10,000, मतलब मैक्सिमम लॉसेस ये हो सकता है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक होता है मैक्सिमम लॉस के साथ चीजों को बुक करना, बोल रहे एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड ये है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर एक चीज देखोगे, एक्चुअली ये ना थोड़ा प्रोबेबिलिटी बेसिस में बोला हुआ है, अगर तुम लोगों ने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल में 100% होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीजों का होने का चांसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो केसेस है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि एक चीज ऑकर हुआ तो दूसरा नहीं होगा। जैसे मान लो हम लोगों ने कॉइन टॉस किया, तो वो या तो हेड हो सकता है एट ए टाइम या तो टेल, कॉइन टॉस करने से हेड टेल दोनों एक ही साथ कभी ऑकर नहीं हो सकता है, तो इस चीज को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि कोई भी इंसिडेंट उठा लो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी हम लोग का 100% होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए मतलब ऑकर होने का चांसेस, और बी मतलब मान लो
लॉस होने का चांसेस, ये विन होने का, ये लॉस होने का। तो वैसे ही देखो, अगर हम लोग देखें पहले वाले सिचुएशंस को अगर ले, तो 100% चांस है उसका जो है विन होने का, 0% चांस है लूज होने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 केसेस का देखो, 50% चांस है विन होने का, लूज होने का चांसेस कितना है, 40% प्लस 10%, ये नेक्स्ट 5 केसेस का। तो अगेन 100%, सब मिला के 100% होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी रिमेनिंग 5 केसेस का देखो, 50% चांस है विन होने का, ये 5 केसेस का बता रहा है, 50% चांस है विन होने का। लो डैमेज होने का चांसेस है 30%, लेकिन लो ही मतलब लॉस है, और हाई डैमेज होने का चांसेस है हम लोग का 20%, मतलब लॉस हुआ तो ये 30 और 20, ठीक है। तो ये भी दोनों मिला के 50 50 प्लस 50, 100%, मतलब ये सब जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिचुएशंस में दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिक्स है बोल सकते हो इसमें। तो यहाँ पर वही बताया है कि पहला 5 केसेस का हारने का कोई चांसेस नहीं है, जीतने का ही है। जीतने का हमें कोई भी जो है प्रोविजन वगैरह नहीं बनता है, वो कंटिजेंट एसेट होता है। और बाकी 5 केसेस का चांसेस है 50% जीत जाएंगे, लेकिन इतना चांसेस है कि हार जाएंगे, इतना चांसेस है जीत जाएंगे, इतना चांसेस है हार जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, हार देखो, ये जो जितना भी जीतने का चांसेस है, ये 100 50 50 50, ये हम लोग का कंटिजेंट एसेट। और ये जो पी बी वाला केस है, इस पे ये हम लोग का क्या है, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना है, कंटिजेंट लाइबिलिटी को हमें डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो कितना कितना डिस्क्लोज करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉसेस के साथ। वो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस के साथ एक्सपेक्टेड अमाउंट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्योंकि ये 10 केसेस का जो है कैलकुलेशंस था हार जाने का, तो इंटू 10 करना है, और क्योंकि ये 5 केसेस का था तो इंटू 5 करना है, करके टोटल करके हमें अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला था कि अमाउंट बताओ कितना होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में AS29 को डिफाइन किया, क्योंकि ये कंटिजेंट लाइबिलिटी का बात था, तो फिर उन्होंने कंटिजेंट लाइबिलिटी को डिफाइन किया। फिर इस केस को डिफाइन किया गया कि क्या बोला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये कैलकुलेशंस हो गया, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर इलास्ट्रेशन 2, इसमें देखो क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 2 में बोला है यहाँ पर, EXOX लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2002, द कंपनी सीक योर एडवाइस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो कंपनी को एडवाइसेस चाहिए, ठीक है, देखते हैं क्या एडवाइस चाहिए। बोल रहा है कंपनी सेल्स टैक्स असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2001-2002 हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 14 फेब 2004 विद अ डिमांड ऑफ 2.67 करोड़, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कंपनी का जो टैक्स असेसमेंट ईयर था 2001-2002 में, वो कंप्लीट हुआ है 14 फरवरी 2004 को, और जिसमें डिमांड किया गया है 2.76 करोड़ का टैक्स और भी पे करने के लिए, ठीक है। ये 2001-2002 यहाँ पर लिख देते हैं, 2003 आगे लिख देते हैं, 2004, तो 2004 के फेब में, तो यहाँ पर मान लो फेब का 14th of फेब 2004 को 2.67 का जो है डिमांड किया है, ठीक है, डिमांड किया गया है 2.67 करोड़ का। द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट विथ prejudice to its right of appeal, the company files its appeal before the appellate authority, wherein the grounds of appeal cover tax on additions made in the assessment order for a sum of 2.10 करोड़। समझाते हैं ये पूरा चीज बोल क्या रहा है वो हम समझाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं तो समझ में आएगा। इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन, अच्छा इलास्ट्रेशन 1 का भी वो कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से दिखाते, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला बोला था, तो तुम लोग का आसानी से समझ में आए जो है वो हम लोग का, ये लिख लो 100% होता है, और इंसिडेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो हम लोग केस हारेंगे या तो जीतेंगे, ठीक है। तो ये टोटल होके 100%, ये मान लो विन के लिए प्रोबेबिलिटी ए और ये लूज के लिए प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है। तो पहले केसेस का 100% चांस था जीत जाएंगे, 0% फॉर लॉस, ठीक है। तो 100% हम लोग का यहाँ पर ऐसे आ गया। इसके बाद वाला 50% प्लस 40 और 10% था, ऐसे करके लिखोगे तो कभी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला हम लोग का था 50% प्लस, यहाँ पर था 30%, और ये हो गया हम लोग का 20%, ठीक है। जिसमें से इधर का जो भी पोर्शन है, क्योंकि ये हम लोग का कंटिंजेंट एसेट,
कंटिंजेंट ऐसे, और इधर का जो हम लोग का पोर्शन है उससे हमारा बनेगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इधर से हमारा बनेगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। और हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, एक्सपेक्टेड लॉस इस तरीके से होगा, ये देखो 1 लाख यहाँ पर कितना था, तो मुझे याद है डेटा, हम लिखते हैं, याद है डेटा, हम लिख देते हैं, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा 40% इंटू 1 लाख 20 मैक्सिमम लॉसेस प्लस 2 लाख इंटू 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 30% इंटू 1 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 20% इंटू 2 लाख 10। अच्छा, इसका अमाउंट आएगा हम लोग का 48,000 प्लस 20,000, और ये हो जाएगा 30,000 प्लस 42,000, ठीक है। और ये जितना भी अमाउंट आ रहा है ये हम लोग का आ जाएगा 68,000, ये हम लोग का आ जाएगा 72,000, ये आ जाएगा 72,000, ठीक है। और ये हम लोग का कितने केसेस के ऊपर था, अगर देखोगे तो ये हम लोग का 5 केसेस का था ये वाला, और सॉरी ये 5 केसेस का था, ये था 10 केसेस का, और ये था अगेन 5 केसेस, ठीक है। तो इंटू 10 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली करते इंटू 10 इंटू 5 इन 10 इंटू और 5 इंटू, तो 68,000 इंटू 10, यहाँ पर चेंज कर देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। 68,000 इंटू 10 6,80,000 और 3,60,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। ये मैथमेटिकली प्रोसेस में याद रख सकते हो, आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, अब ये जो केस था, जो इलास्ट्रेशन टू मैंने लिया वो हम समझाते हैं। इलास्ट्रेशन टू इसमें क्या बोला है देखो, असेसमेंट ईयर 2001-2, ठीक है। असेसमेंट ईयर में असेस होने के बाद कंपनी ने सेल्स टैक्स खुद कंपनी ने असेस किया है, वो कंप्लीट हुआ 14 फेब को, लेकिन 2.76 का डिमांड आया है, 2.76 करोड़ का डिमांड। डिमांड कौन करेगा, टैक्स अथॉरिटी बोल रहे नहीं आपने टैक्स कैलकुलेशन सही नहीं किया है, आपका टैक्स बनता है 2.76 करोड़, ये डिमांड किया गया है। कौन डिमांड करेगा, टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, द कंपनी पेड द एंटायर डिविडेंड प्रोटेस्ट विदाउट प्रिजुडिस टू इट्स राइट ऑफ द एपील, द कंपनी फाइल्स इट्स एपील बिफोर द एपीलेट अथॉरिटी। एपीलेट अथॉरिटी का मतलब है जो टैक्स अथॉरिटी के ऊपर है, हम पे डैमेज आ रहा है कि आप डिमांड आ रहा है कि 2.76 करोड़ दो, लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि नहीं टैक्स अथॉरिटी गलत बोल रहा है, तो वो एपीलेट अथॉरिटी के आगे जाके अपील कर सकता है। वेयर इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील कवर टैक्स टैक्स ऑन एडिशंस मेड इन असेसमेंट ऑर्डर फॉर ए सम ऑफ 2.10 करोड़, मतलब उन्होंने क्या किया है, एडिशन अमाउंट के ऊपर जो है अपील किया है। एडिशन अमाउंट के ऊपर का मतलब देखो, इन्होंने अपील किया, इसके अगेंस्ट में अपील किया, लेकिन कितने के लिए किया, 2.10 करोड़ के लिए अपील किया। मतलब इनका कहना ये है, देखो अगर हम इसको समझाना चाहें, इनका कहना ये है कि एक ये देखो 2.76 का डिमांड है, लेकिन इन्होंने अपील किया है कि देखो कंपनी को टैक्स अथॉरिटी बोल रही है कि आपको 2.76 करोड़ देना है, जो कि कंपनी को लग रहा है कि ज्यादा है, तो कंपनी अपील कर रही है कि मेरे ऊपर 2.10 करोड़ का एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है, कंपनी के हिसाब से इतना एक्स्ट्रा है, ठीक है। मतलब कंपनी ये बोलना चाह रही है कि 0.66 करोड़ का तो मेरा टैक्स है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन
हम ये अपील करना चाहते हैं बाकी इतने अमाउंट पे, 2.10 करोड़ पे जो मेरे से एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। कंपनी इतने अमाउंट के लिए अपील कर रही है जबकि उनको डिमांड किया गया आपको टोटल 2.76 करोड़ देना है, लेकिन कंपनी बोल रही है नहीं मुझे 0.66 करोड़ देना है, इतना मेरा टैक्स है। तो टैक्स अथॉरिटी मुझे गलत बोल रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो हम अपील करेंगे जो है एपिलेट अथॉरिटी को। क्या नाम है? एपिलेट अथॉरिटी को, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरा देखो एक्स्ट्रा इतना है, हम ये एडिशन अमाउंट जो मेरे ऊपर लगाया गया है हम ये वाला बोलना चाह रहे हैं, ये एडिशन अमाउंट किसने बोला है देखो, ये तो कंपनी खुद बोल रही है, कंपनी का इनकम पे, कंपनी बोल रही है कि कंपनी का इनकम पे टैक्स जो है वो इतना है, ठीक है। और जो यहां पर देखो अपील किया गया है, एडिशन अमाउंट पे अपील किया गया है, ठीक है, कौन कर रहा है? कंपनी। और जो टैक्स अथॉरिटी है वो बोल रही है कि फुल टैक्स इतना है, टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग टैक्स हो रहा है 2.76। ये देखो ये दोनों को जोड़ दो 2.76, तो कंपनी बोल रही है हम भी मानते हैं 0.66 करोड़ मेरा टैक्स है, लेकिन 2.10 करोड़ जो है हम इसके लिए अपील करेंगे क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। अब पढ़ के देखो क्या बोला है, द कंपनी सेल्स टैक्स असेसमेंट फॉर द ईयर 2001-2002 हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 14 फेब 2004 विद द डिमांड ऑफ 2.76 करोड़, ठीक है। अब डिमांड आया कि 2.76 करोड़ दो, डिमांड कौन करेगा? आईटी अथॉरिटी। द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट, कंपनी ने जो है पे किया लेकिन प्रोटेस्ट के साथ विद प्रिजुडिस टू इट्स राइट ऑफ अपील, इसके पास अपील करने का राइट है उसको वो यूज करेगी। तो कंपनी ने अपील जो है वो फाइल कर दिया है अपीलेट अथॉरिटी के सामने, किस ग्राउंड पे? कि कवर टैक्स ऑन एडिशंस, कि मेरे से 2.10 एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। अब बोला है कि हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, ये हमें बोला है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सल्यूशन में क्या बोला है कि क्या इसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें कितने का प्रोविजंस क्रिएट, देखो प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि ये हम लोग का क्या है। देखो प्रोविजंस का रूल्स क्या है, प्रोविजंस का है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस फॉर पास्ट इवेंट, कि हम लोग का अगर टैक्स के अंदर आ रहा है, टैक्सेबल इनकम आ रहा है, तो मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ अमाउंट को लेके प्रॉब्लम है। और प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर हम लोग अपील करने के बाद हार भी जाए, ठीक है, तो प्रोबेबल है कि हमें पूरा पेमेंट करना पड़े और एस्टिमेट भी कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोविजन जरूर क्रिएट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में हमें क्या करना चाहिए, प्रोविजन्स बनाना चाहिए क्योंकि प्रोविजन्स बनाने का हर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है, प्रोविजंस बना लेना चाहिए। अच्छा कितने का प्रोविजंस बनाना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो इतने का तो हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स जरूर खुद से ही बनाया होगा, ठीक है, कंपनी ने इतना तो वो तो खुद ही मान रही है कि इतना मेरा टैक्स है, तो इतना तो प्रोविजन फॉर टैक्स उसने बनाया होगा, ठीक है। तो उसको अगर एडिशनल कोई प्रोविजन बनाना है तो वो कितना बनाना चाहिए, 2.10 करोड़ का, इतने का उसे बनाना चाहिए क्योंकि इतना तो वो खुद मान रही है कि मुझे ये देना है। तो अगर बाई चांस वो केस हार गई, जो अपील किया था वो फैसला अगर उनके अगेंस्ट में आ गया, तो उन्हें और 2.10 करोड़ देना पड़ सकता है, तो उन्हें 2.10 करोड़ का जो है प्रोविजन्स बना लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या लिखा है, Since the company is not appealing against the addition of 0.66 crore, the same should be provided for in its accounts for the year ended on 31st March 2004. बोला है कंपनी ने तो इसके लिए कोई अपील डाला ही नहीं है, ठीक है, तो कंपनी इसके लिए क्या कर सकती, शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 0.66, वो तो कंपनी ऐसे ही बनाएगी। द अमाउंट पेड अंडर प्रोटेस्ट, जो अमाउंट प्रोटेस्ट के अंडर आ रहा है, मतलब 2.10 करोड़, कैन बी केप्ट अंडर द हेडिंग लोन एंड एडवांसेस एंड डिस्क्लोज्ड एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2.10 करोड़। अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये 2.10 करोड़ हमें दिखाना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, बताते हैं क्यों कंटिंजेंट लाइबिलिटी हुआ, हम इसको भी प्रोविजंस बता दें। तो कंपनी को क्या करना है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के 2.10 करोड़ को रिकॉर्ड करना है। क्यों करना है, देखो क्या बोला है,
बोला है कि द अमाउंट पेड अंडर प्रोटेस्ट कैन बी केप्ट अंडर द हेडिंग लोन एंड एडवांसेस बोल के एंड डिस्क्लोज्ड एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. लोन एंड एडवांस के अंडर हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के 2.10 करोड़ का. ठीक है, अब इसके कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्यों बोलेंगे, देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कंडीशन क्या बोला था कि पॉसिबल ऑब्लिगेशंस दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट. अब देखो यहाँ पर ये क्यों हमारा ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस थोड़ी ना है, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है. मैंने गलत बता दिया ना, प्रेजेंट पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है क्योंकि अगर हम लोग कोर्ट में केस हार गए, क्योंकि हम लोगों ने तो अपील किया है एपिलेट अथॉरिटी को, अगर हम लोग हार गए तो हमें वो पेमेंट करना पड़ेगा, अगर जीत गए तो नहीं करना पड़ेगा. तो ये फ्यूचर में डिसाइड होगा, फ्यूचर के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए कंटिजेंट लाइबिलिटी होगा. ठीक है, इसीलिए कंटिजेंट लाइबिलिटी होगा क्योंकि इसका श्योर शॉट तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो कोर्ट पे केस हारने या नहीं हारने पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी होगा. ठीक है, तो प्रोविजन तब होता है ना जब हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा, ये हम लोग का क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन. ठीक है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट तो है नहीं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और ये हमारे फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड कर रहा है, मतलब केस को जीतने पे या केस को हारने पे क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इतने का हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनाएंगे. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए वेज एग्रीमेंट इन मे 2002. कंपनी ने वेज एग्रीमेंट में एग्रीमेंट किया है 2002 को, वेयर बाय द लेबर यूनियन हैज एक्सपेक्टेड ए रिविजन इन वेज फ्रॉम 2001. लेकिन जो यूनियन है, यूनियन लेबर लोगों का बना हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, हमें जून 2001 से ही जो है रिवीजन, यानी कि रिवीजन का मतलब क्या होता है ना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, मतलब जून, ये देखो हम लिख के दिखा देते हैं. ठीक है, क्या बोला है समझा देते हैं, ये रहेगा तो इससे आराम से लिख सकते. जून 2001 कंपनी ने मई 2002 में एक एग्रीमेंट साइन किया है, मई 2002 में एक एग्रीमेंट साइन किया है, और वहां पर किस चीज का एग्रीमेंट बना हुआ है, देख लो एग्रीमेंट बना हुआ है हम लोग का वेज एग्रीमेंट. ठीक है, इस दिन क्या बना था, वेज एग्रीमेंट. अब क्या बोला है कि वेयर बाय द लेबर यूनियन हैज एक्सपेक्टेड ए रिवीजन इन वेज फ्रॉम 2001. तो वेज एग्रीमेंट किस चीज का बना होगा कि वेजेस को इंक्रीज करना है, लेकिन जो वेज यूनियन है वो चाहती है कि उसका इंपैक्ट जून 2001 से आए, मतलब मई 2002 के बाद जो भी पेमेंट मिलेगा वो तो नए स्केल पे मिलेगा, जो भी इंक्रीमेंट किया गया यहाँ से जितना भी वेजेस पे होगा वो इंक्रीज होके ही पे होगा, लेकिन लेबर यूनियन का ये कहना है कि इस पीरियड से उस अमाउंट को इंक्रीज कर दो. मतलब सीधा सा बात है, मान लो किसी को मई 2002 से सैलरी दिया जाएगा 12,000 पर मंथ करके, पहले दिया जाता था 10,000, लेकिन उनका कहना यह है कि जून 2001 से ही मेरा सैलरी को बढ़ा दो, मतलब जून 2001, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, मतलब 11 मंथ्स, यहाँ से यहाँ 11 मंथ्स हो रहा है, 11 मंथ्स तक का 10,000 पर मंथ था. ठीक है, फिर मई 2002 से 12,000 पर मंथ किया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा जो सैलरी है उसको जून 2001 से ही बढ़ा दो, मतलब जून से लेके मई का 11 मंथ्स का और भी 2,000 करके देना पड़ेगा, इस बात का मतलब ये होता है. तो यहाँ पर भी वही बोल रहे कि रिवाइज्ड कर दो, पहले जो दिए थे और जो इंक्रीमेंट किए, इंक्रीमेंट के बदौलत तो जो मिलेगा मिलता जाएगा, लेकिन इस पीरियड में भी जितना एक्स्ट्रा देना है इंक्रीमेंट के हिसाब से वो यहाँ से यहाँ तक देना पड़ेगा, ऐसा लेबर यूनियन का कहना है. ठीक है, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट द हाइक टिल मे 2002 विल नॉट बी पेड टू द एम्प्लॉइज बट विल बी सेटल्ड टू देम एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट. लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइक हुआ है सैलरी, वो अमाउंट जो है इम्प्लॉय लोगों को ऐसे नॉर्मली हाथ में नहीं पे किया जाएगा. ठीक है, उनको ये अमाउंट, ये हाइक जो हुआ है वो रिटायरमेंट के टाइम पे सेटल कर दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, रिटायरमेंट टाइम पे पेमेंट किया जाएगा. ठीक है, ये एग्रीमेंट में बना हुआ है.
कैसे होगा, द कंपनी एग्रीज टू डिपॉजिट द एरियर्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड बाय सितंबर 2002। अच्छा, कंपनी ने ये भी बोला ये जो इस पीरियड का जो हाइक है वो हम लोग रिटायरमेंट टाइम में पेमेंट करेंगे। और उसके पहले कंपनी ने और एक चीज भी बता दिया, क्या बता दिया कि 22 सितंबर 2002 के अंदर, ठीक है, 22 सितंबर 2002 में हम लोग क्या करेंगे, ये हाइक अमाउंट को डिपॉजिट कर देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड में, मतलब इन्वेस्ट कर देंगे, कंपनी के पास रहेगा, हो सकता है खर्चा हो जाएगा क्योंकि रिटायरमेंट टाइम पे लेबर को ये अमाउंट दिया जाएगा, तो कंपनी बोल रही है हम लोग इस पैसे को ना अभी इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसका हमें, मतलब कंपनी को इस पूरे सिचुएशंस का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए ये हमें पूछा गया है। कब पूछ रहा है, यानी कि 31 मार्च को, ठीक है, ईयर एंड में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब हम लोग का भी ये बताना है। ये देख ऐसा हो गया, वैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, वो तो स्टोरी बता दिया, अब यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करके बताते हैं। 1 अप्रैल 2000 पर ये ईयर एंड होने वाला था, 31 मार्च 2002, ठीक है। जून 2001 से लेके हम लोग को यहाँ पर मई 2002 तक का जो सैलरी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसका अमाउंट हम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे, और सितंबर 2002 के अंदर उस अमाउंट को यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को सितंबर 2002 के अंदर किसी बॉन्ड में, ये पूरे जो अमाउंट है इसको हम लोग किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, किसी बॉन्ड में नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड में, बोल दिया। हम लोग को पूछा गया है कि फिर ये इस डेट पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसी बेसिस पे हमें आंसर देना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या करना है इसका हमें आंसर देना, ठीक है, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसका हमें प्रोविजंस जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। क्यों प्रोविजंस बनाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास जो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस है, कैसे पता चला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट डेट पे अगर हमारे पास उस मतलब ऑब्लिगेशंस के ऑकर होने का कोई मतलब सिचुएशन या एविडेंस है, तो ऑब्वियसली एविडेंस तो है, ठीक है, और हम लोग एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि कितना सैलरी हाइक हुआ है, भले हमें यहाँ अमाउंट नहीं दिया हुआ, उनको तो पता होगा, तो इसका मतलब वो अमाउंट जो है वो हम लोग का प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो है, प्रोबेबल भी है, देना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं देने से चलेगा, अभी नहीं दे रहे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे, तो प्रोबेबल है, देना पड़ेगा, 100% चांसेस है देना पड़ेगा, और रिलायबल एस्टिमेट भी है, तो फिर इसका हमें प्रोविजंस बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या बोला होगा, द एरियर्स फॉर द पीरियड ऑफ जून 2001 से लेके 2002 आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 को उस एरियर अमाउंट को प्रोवाइड कर देना चाहिए, ठीक है, ये इतना सा ही बोला है कि प्रोवाइड कर देना चाहिए, बट इसका मतलब वही हो गया कि प्रोविजंस क्रिएट करना चाहिए। प्रोवाइडेड मतलब अकाउंट्स में प्रोवाइड तभी होगा ना जब हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स में प्रोवाइड होने का मतलब रिकॉर्ड करने का हो गया, ठीक है। बस ये दो ही क्वेश्चंस था, और कुछ क्वेश्चंस है वो भी बताते हैं यहाँ से, ये देखें ये 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर बोला है सन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 करोड़ विद एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग 2001-2002 फाइनेंशियल ईयर। तो दो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, एक है हम लोग का सन लिमिटेड, ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का एक्स लिमिटेड, 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है देखते हैं, द प्रॉफिट ऑन द ट्रांजेक्शन इज 1 करोड़, बोल रहा है कि प्रॉफिट जो होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद 1 करोड़ का होगा। द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ 2002-2003 फाइनेंशियल ईयर। तो एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि 2002-2003 के अंदर गुड्स डिलीवरी कर देना है, ठीक है, डिलीवरी कर देना है। इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ सन लिमिटेड, डिलीवरी कौन करेगा, सन लिमिटेड करेगा, ठीक है, तो प्रॉफिट भी कौन कमाएगा, सन लिमिटेड, जो प्रोडक्ट सेल करेगा वही प्रॉफिट कमाएगा। इस पीरियड के अंदर जो है स्टॉक को मतलब जो मैन्युफैक्चर करके गुड्स रेडी होगा वो, लेकिन इसी पीरियड के अंदर दे देना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो फेलियर हो गए हैं, शेड्यूल डेट पे डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, ए कंपेंसेशन ऑफ 1.5 करोड़ इज टू बी पेड टू एक्स लिमिटेड। अगर उन्होंने इस सिचुएशंस को मतलब
इस परफॉर्मेंस को सही तरीके से कर दिया, ठीक है, तो देखो इस कॉन्ट्रैक्ट का दो एग्जीक्यूशन है, या तो हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं 1 करोड़, जैसा जैसा बोला है वैसा कर देंगे तो सन लिमिटेड, या फिर उनका क्या हो सकता है कंपेंसेशन, यानी लॉस देना पड़ सकता है 1.5 करोड़। किसको देना पड़ेगा कंपेंसेशन? एक्स लिमिटेड को, अगर फेलियर हो गया एग्रीमेंट में लिखे हुए बात को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये तो हो गया, बताया है कि क्या एग्रीमेंट में था। सन लिमिटेड प्लान टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ 2002-2003, तो 2002-2003 के एंड से ही वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा प्लानिंग किया था। एज ऑन बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2002 द गुड्स वे नॉट मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन उन्होंने गुड्स अभी तक रेडी किया नहीं। एंड इट वॉज अनलाइकली दैट सन लिमिटेड विल बी एबल टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और ये सन लिमिटेड को लग नहीं रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मतलब 2002-2003 के अंदर गुड्स को डिलीवर कर पाएंगे। अब क्या करना चाहिए? शुड सन लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर कंटिजेंसीज एज पर AS 29, क्या सन लिमिटेड को AS 29 के अकॉर्डिंग कंटिजेंसीज प्रोवाइड कर देने चाहिए? शुड प्रोविजंस बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, ठीक है, तो जब हम लोग प्रोविजंस को मेजर करेंगे तो क्या हमें वो कितने अमाउंट का करना चाहिए? एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर जितना देंगे, मतलब बोल रहा है पहला बात है ये, देखो पहला वाला बता देते फिर सेकंड वाला बता रहे, बोल रहा है कि क्या इनको AS 29 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना चाहिए इस अमाउंट को, मतलब प्रोविजंस क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हो रहा है, प्रोबेबल है, रिलायबली एस्टिमेट है, तो फिर प्रोविजंस क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोविजंस तो क्रिएट होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग गुड्स नहीं दे पाएंगे, ये सन लिमिटेड को पता चल गया है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो होगा। पास्ट इवेंट क्या है? वो बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है प्रोबेबल है कि उनको कितना डैमेज देना पड़ेगा, 1.5 करोड़ का डैमेज देना पड़ेगा, ये प्रोबेबल है, कैश आउटफ्लो होगा, और कितना होगा 1.5 करोड़ होगा, तो प्रोविजंस क्रिएट कर लेना चाहिए। पहला बात तो पहला आंसर हो गया। दूसरा कि प्रोविजंस कितना बनाना चाहिए, बोल रहा है एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन 1.5 करोड़ ओवर द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 1 करोड़, ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या 0.5 करोड़ का प्रोविजंस बनाना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो देखो हमें प्रोविजंस बनाना चाहिए 1.5 करोड़ का, 0.5 करोड़ का नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट तो तब कमा सकते हैं जब प्रोडक्ट बेचेंगे, जब प्रोडक्ट बना ही नहीं, बेच ही नहीं पाएंगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमाएंगे, तो फिर हमारा प्रोविजंस का अमाउंट प्रॉफिट लेस करके कम कैसे दिखाए? हमें तो 1.5 करोड़ का ही प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कमा लेते तो फिर प्रोविजंस का तो कोई सिचुएशन ही नहीं होता, प्रॉफिट तो हम लोग थोड़ा भी नहीं कमा पाएंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा का पूरा अमाउंट 1.5 करोड़ का प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपेंसेशन तो 1.5 करोड़ देना है। अब देख लो क्या लिखा हुआ है, AS 29 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट प्रोवाइडेड दैट व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जैसे यहाँ पर था कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस था, दैट प्रोबेबली रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, और अगर इससे हमें प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा एंड रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हैं, कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड प्रोविजंस शुड बी रिकॉग्नाइज, तो हमें प्रोविजंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब इस केस के लिए सन लिमिटेड हैज द ऑब्लिगेशंस टू डिलीवर द गुड्स विद इन द शेड्यूल टाइम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज प्रोबेबल दैट सन लिमिटेड विल फेल टू डिलीवर द गुड्स विद इन द शेड्यूल, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको लग रहा है कि ये नहीं दे पाएंगे, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, देयर फॉर सन लिमिटेड शुड प्रोवाइड, मतलब प्रोविजन्स बना लेना चाहिए फॉर द कंटिजेंसी अमाउंट ऑफ 1.5 करोड़ एज पर AS 29, AS 29 के अकॉर्डिंग इनको 1.5 करोड़ का जो है प्रोविजंस बना लेना चाहिए। प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, जो बोला है ना कि प्रोविजंस क्या प्रॉफिट को लेस करके जितना एक्सेस होगा उतना बनाना चाहिए, बोला नहीं ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्यों? जो मैंने रीजन बताया, द गुड्स वेर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 31 मार्च 2012, नो प्रॉफिट हैड बीन एक्रूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कोई भी प्रॉफिट जो है एक्रू नहीं हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में 2001-2002, देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द फुल अमाउंट फॉर कंपेंसेशन ऑफ 1.50 करोड़, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से इंग्लिश लिख सकते हो, ठीक है। सेवेंथ नंबर देखते हैं क्या बोला है, एन ऑयल कंपनी हैज बीन
कंटेमिनेटिंग लैंड फॉर सेवरल इयर्स। तो एक ऑयल कंपनी है जिन्होंने कोई एक जमीन है जिसको जो है मतलब क्या बोले मतलब जिसको गंदा कर दिया है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू से वो खराब हुआ है, मतलब बेसिकली डैमेज भी बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है देखो, एक से ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला, इट डज नॉट क्लीन अप बिकॉज देयर इज नो लेजिस्लेशंस रिक्वायरिंग क्लीनिंग अप, ठीक है। तो बोल रहा है उन्होंने गंदा तो किया उस जमीन को, लेकिन उसको क्लीन नहीं करवाया क्योंकि इसके ऊपर कोई लॉ बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो एट 31 मार्च 2001 इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट ए लॉ रिक्वायरिंग ए क्लीनिंग अप ऑफ लैंड ऑलरेडी कंटामिनेटेड विल बी एनेक्टेड शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड इज द प्रोविजन प्रेजेंटली नेसेसरी। बोल रहा है इस साल के बाद से, 31 मार्च 2001 के एंड के बाद से ऐसा लग रहा है, वर्चुअली सर्टेन है कि ये जो किसी भी तरीके का लैंड वगैरह जो हम लोग गंदा कर दे रहे हैं, इसको क्लीन करने के लिए कोई लॉ या रूल्स लागू हो सकता है। तो क्या कंपनी को प्रोविजंस बना लेना चाहिए? किस चीज का प्रोविजन बनाएगी? अगर लॉ आ गया कि भाई आपने जो लैंड गंदा किया है उसको आपको क्लीन करके देना है, तो उसका क्लीनिंग का जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी को पे करके उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्या कंपनी को उसके लिए प्रोविजंस बना लेना चाहिए? ऐसा पूछ रहा है AS 29 के अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्मली किसी तरीके का अगर हम लोग का इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, ठीक है, तो वैसे हमारे पास ना देखो एथिकली देखो तो मेरे हिसाब से हम तो बोलेंगे ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन सभी इंसान का है उसके आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा रखने का, लेकिन इंसान तो इस तरीके का ट्रीट करता नहीं है, इसीलिए लॉ रखना पड़ता है कि ये गंदा मत करो वो गंदा मत करो, इस बात का भी लॉ बनाना पड़ता है। मतलब ये थोड़ा अजीब है, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है, ठीक है। तो वो देखो ना, जैसे कि गाड़ी में पॉल्यूशन कंट्रोल रखना पड़ता है, गाड़ी से अगर ज्यादा धुआं निकल रहा है उसके ऊपर लॉ बनाया, इसके पहले लॉ नहीं बना हुआ था, तो फिर कितना भी पुराना गाड़ी हो बस हो, ठीक है, वो सब रास्ते में चल रहा था तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, क्योंकि जितना ज्यादा व्हीकल का लाइफ जो है ज्यादा हो जाता है तो वो डैमेज ज्यादा होता है, तो उसमें धुआं वगैरह ज्यादा निकल रहा है, तो उसके लिए लॉ बना दिया गया है कि आप अगर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करोगे आपको फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन जब तक ऐसा लॉ नहीं बनाया हुआ था, हमारे अंदर इतना कॉन्शियसनेस है नहीं कि हम लोग ये करें कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, ठीक है। तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए इस तरीके का लॉ बनाया गया है कि इस तरीके का काम नहीं कर सकते, ये गंदा नहीं फेंक सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, इस चीज को कैसे डिराइव किया है, बोला है कि एज पर AS 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट ए पास्ट इवेंट विल लीड टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। नॉर्मली अगर कोई पास्ट इवेंट हुआ है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हो सकता है व्हेन द इंटरप्राइज हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव टू सेटल द ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय द पास्ट इवेंट। अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है उस ऑब्लिगेशंस को सेटल डाउन करने का, ठीक है, तो हमारे ऊपर उसका ऑब्लिगेशंस आ जाएगा। हाउएवर व्हेन एनवायरमेंटल डैमेज इज कॉज्ड देयर मे बी नो ऑब्लिगेशन टू रेमेडी द कंसिक्वेंसेस। बोल रहा है कि अगर एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है तो हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं आते उस चीजों को ठीक करने का। द कॉजिंग ऑफ द डैमेज विल बिकम एन ऑब्लिगेशन इवेंट व्हेन ए न्यू लॉ रिक्वायर्स। वही मैंने बोला ना, देखो हमारे अंदर उतना कॉन्शियसनेस नहीं है कि हम लोग ये जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कोई लॉ या रूल्स आ जाए, ठीक है, इस डैमेज को जो है डैमेज का क्लेम, ठीक है, कि ऐसा डैमेज करोगे तो आपको इस तरीके से इसको ठीक करके देना है, तो आप कॉजिंग ऑफ डैमेज विल बिकम एन ऑब्लिगेशंस। ये डैमेज का जो मतलब डैमेज का जो कॉज है उसके लिए जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, वो उसका जो हमारे पास ऑब्लिगेशंस होगा वो तभी आ सकता है अगर एक नया लॉ जो है इम्पोज किया जाए, द एग्जिस्टिंग डैमेज टू बी रेक्टिफाइड वेयर डिटेल्स ऑफ ए प्रोपोज्ड न्यू लॉ हैव येट टू बी फाइनलाइज्ड, ठीक है। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डिटेल्स जो है ऑफ ए प्रोपोज न्यू लॉ हैव येट टू बी फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज होने वाला है। एन ऑब्लिगेशन अराइज ओनली व्हेन द लेजिस्लेशन इज वर्चुअली सर्टेन टू बी एनएक्टेड। जब ये लॉ लागू हो जाएगा तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस
आ जाएगा, वही चीज बोला है मैंने पहले जो बोला कि देखो नॉर्मली ऐसा हमारे पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है इन्वायरमेंटल डैमेज को लेके, लेकिन अगर कोई लॉ लाया जाए तो फिर हमारे ऊपर उस डैमेज को रेक्टिफाई या रेमिडी उस डैमेज के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रेमिडी अगर करना है तो उसका एक्सपेंसेस हो सकता है अगर लॉ लागू हो जाए। तो इस केस में क्या हुआ, इट इज वर्चुअली सर्टेन, क्योंकि इस केस में बोल दिया है कि ये सर्टेन होने वाला है कि जो है नया लॉ लागू होने वाला है, इनएक्टेड होने वाला है। तो यहाँ पर वही बोला है, इन द गिवन केस इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट लॉ विल बी इनएक्टेड रिक्वायर्ड कंटामिनेटेड, जो हम लोगों ने खराब किया है मतलब गंदगी फैलाया है उस जगह को हमें जो है क्लीन अप करके देना है। देयर फॉर एन ऑयल कंपनी हैज टू प्रोवाइड फॉर सच क्लीन अप कॉस्ट। तो क्योंकि अगर हमें एविडेंस मिल रहा है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो जो क्लीन अप कॉस्ट होगा उतने अमाउंट का हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रोविजंस बना लेना चाहिए। प्रोवाइड का मतलब प्रोविजंस हो गया। देयर फॉर एन ऑयल कंपनी हैज टू प्रोवाइड फॉर सच क्लीन अप कॉस्ट इन द ईयर इन विच द लॉ इज वर्चुअली सर्टेन टू बी एनेक्टेड, ठीक है। जब वो लॉ एनेक्टेड होगा तो उसके अगेंस्ट में हमें प्रोविजंस बना लेना चाहिए, क्यों, और क्योंकि हमें लग रहा है कि वर्चुअली सर्टेन है तो ऑब्वियसली हमें जो है बनाना ही चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोविजंस हमें जरूर बना लेना चाहिए। अब रहा कुछ एमसीक्यू, वो भी बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिस्क्राइब्स एज प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है। ए प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, ए प्रोविजन इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग, फिर बोल रहा है प्रोविजन इज अ क्रेडिट बैलेंस सेट अप टू ऑफसेट एंड कंटिजेंट एसेट सो दैट द इफेक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज नील, ए प्रोविजन इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। नहीं देखो, प्रोविजंस अनसर्टेन अमाउंट का नहीं होता है। प्रोविजंस के केस में हम लोग रिलायबली अपने अमाउंट को एस्टिमेट कर पाए तो ही वो प्रोविजंस बनता है, तो डी तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है प्रोविजंस एक क्रेडिट बैलेंस है जिसको हम लोग सेटअप करते हैं टू ऑफसेट मतलब एडजस्ट करने के लिए कंटिजेंट एसेट के साथ, नहीं है ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हमारे मतलब ऑब्लिगेशंस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं, तो सी भी नहीं होगा। प्रोविजंस जो है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है ही नहीं, वो हम लोग का क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस है, तो फिर पॉइंट बी भी नहीं होगा। तो बचा ए, इसका मतलब ए राइट है। अब ए में क्या बोला है, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, ठीक है। ये हो सकता है कि हमारे पास रिलायबली एस्टिमेट है लेकिन सर्टेन नहीं है, कि जैसे हम लोग डेटर का प्रोविजन बना रहे 5% 10%, जरूरी थोड़ी ना है कि जितना बना रहे एग्जैक्ट उतना ही डेटर बैड डेट होगा, उससे कम ज्यादा हो सकता है। तो अनसर्टेन अमाउंट हो सकता है, रिलायबल अमाउंट होता है बट अनसर्टेन हो सकता है, टाइमिंग्स भी हमारा अनसर्टेन हो सकता है, ठीक है। और प्रोविजंस तो लाइबिलिटी, ऑब्वियसली लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये वन का ए हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर का देखते हैं, एक्स कंपनी इज अ बिजनेस दैट सेल सेकेंड हैंड कार्स, ये लोग सेकेंड हैंड कार बेचते। इफ ए कार डेवलप्स ए फॉल्ट विद इन 30 डेज ऑफ द सेल, एक्स कंपनी विल रिपेयर इट फ्री ऑफ चार्ज। बोल रहा है कि अगर कार खराब हो गया 30 डेज के अंदर सेल करने के बाद वो फ्री में उसे रिपेयर करके देंगे। एट 1 मार्च 2001 एक्स कंपनी हैड मेड ए प्रोविजन फॉर रिपेयर 25,000। तो कंपनी को पता है कि मैंने तो बेच दिया है, पास्ट इवेंट हो चुका है, मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है जब भी किसी का कार डैमेज होगा 30 डेज के अंदर वो आएगा मेरे से रिपेयर करवाएगा, तो फिर मेरा कैश आउटफ्लो ऑब्वियसली हो सकता है, और ये जो है इसका अमाउंट भी हम एस्टिमेट कर पा रहे कि 25,000 होना चाहिए। एट 31 मार्च 2001 एक्स कंपनी कैलकुलेटेड दैट प्रोविजन शुड बी 20,000, वट एंट्री शुड बी मेड फॉर द प्रोविजन इज एक्स इन एक्स कंपनीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ 31 मार्च 2001। तो बोल रहा है कि कंपनी ने प्रोविजंस बनाया था 25,000, लेकिन कैलकुलेट करके देखा कि प्रोविजंस का जो जरूरत है अमाउंट का यूज का वो सिर्फ 20,000 ही हो रहा है, ठीक है। तो 5,000 उन्होंने एक्स्ट्रा किया था, तो 5,000 को क्या कर देंगे, ईयर एंड में क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री डाल देंगे, तो ये हो गया क्रेडिट ऑफ 5,000, ये बी ऑप्शन होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर देखो, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाने पे हम लोग रिवर्स कर देते हैं ना, तो रिवर्स कर देंगे, जैसे डेटर का भी कर सकते हैं, किसी भी प्रोविजंस का एक्स्ट्रा है तो रिवर्स कर देंगे, कम है तो फिर और क्रिएट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज द स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब, अच्छा ये स्टेटमेंट इन सब में से कौन सी चीज को डिफाइन करा है, ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब हो जाएगा हम लोग का कंटिंजेंट का बात, ठीक है। तो प्रोविजंस नहीं होगा, सिर्फ करेंट लाइबिलिटी नहीं होगा, डेफर टैक्स कंटिजेंट लाइबिलिटी होना चाहिए, ये लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है। फिर भी आगे देख लो, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हूज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट ओनली विद इन द
कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, यही डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को लिखवा दिया था जब हम लोगों ने कंटिजेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन लिखा था। एंड लास्ट क्वेश्चन, जेड लिमिटेड हैज कमेंस्ड ए लीगल एक्शन अगेंस्ट वाई लिमिटेड क्लेमिंग सब्सटेंशियल डैमेजेस फॉर सप्लाई ऑफ ए फॉल्टी प्रोडक्ट। बोल रहा है कि जेड लिमिटेड जो है वो लीगल एक्शन ले लिया है वाई लिमिटेड पे और क्लेम क्या किया है कि डैमेज हुआ है जो उन्होंने प्रोडक्ट सप्लाई किया है वो फॉल्टी प्रोडक्ट था तो उसके वजह से उनका लॉस हुआ है, ये कहना है जेड लिमिटेड का। द लॉयर ऑफ वाई लिमिटेड एडवाइज दैट द कंपनी इज लाइकली टू लूज द केस। तो वाई लिमिटेड के जो लॉयर है वो बोल रहे हैं आप केस हार जाओगे। ऑल्दो द चांसेस ऑफ पेइंग द क्लेम इज नॉट रिमूव, बोल रहे केस हार जाओगे लेकिन आपका कैश आउटफ्लो नहीं होगा, ये बोल रहा है। द एस्टिमेट पोटेंशियल लाइबिलिटी इज एस्टिमेटेड बाई द लॉयर आर। अब लॉयर ने जो है कुछ लाइबिलिटी एस्टिमेट करके दिया है कि लाइबिलिटी कैसा हो सकता है, बोला है कि लीगल कॉस्ट, मतलब लॉयर बोल रहा है आपका लीगल खर्चा आ जाएगा इसमें 50,000, मतलब टू बी इनकर्ड इन रेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द केस, मतलब इस केस से बाहर निकलने का, केस खत्म करने के लिए 50,000 का खर्चा लगेगा। सेटलमेंट इफ द क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, और अगर क्लेम देना पड़े तो 5 लाख देना पड़ेगा, लेकिन लॉयर का कहना है वो आपको नहीं देना पड़ेगा मेरे हिसाब से क्योंकि चांसेस रिमोट है, ये लॉयर बोल रहा है, लेकिन हुआ तो 5 लाख और केस से निकलने का 50,000। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, तो जेड लिमिटेड को कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए, बोल रहा है कि 5,50,000 का प्रोविजंस बनाओ, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5 लाख का प्रोविजंस हम लोग क्यों बनाए, क्योंकि हमारा जब रिमोट है तो प्रोविजंस तो रिकॉग्नाइज होगा नहीं, ठीक है, प्रोविजंस तो रिकॉर्ड होगा नहीं क्योंकि अगर रिमोट चांसेस है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये देखो लिखा हुआ है आउटफ्लो होने का चांसेस अगर रिमोट है तो इग्नोर कर देना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ये नहीं होगा। मेक ए डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 5,50,000, कंटिजेंट लाइबिलिटी बना लो बोल रहा है 5,50,000 का, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब रिमोट है तो वो किसी तरीके से जो है रिकॉर्ड होगा नहीं और डिस्क्लोज भी नहीं होगा। डिस्क्लोज तब होता है जब 50% चांसेस होता है, तब हम लोग उसे फुटनोट में डिस्क्लोज करते हैं। फिर सी में बोला है प्रोविजंस बनाओ 50,000 का और डिस्क्लोज करो 5 लाख का, ये सही है, ठीक है, ये पॉइंट सही है। बोल रहा है कि प्रोविजंस बनाएंगे 50,000 का और डिस्क्लोज करेंगे 5 लाख, ये सही। अच्छा थोड़ा मैंने ये गलत बता दिया ना, डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 5,50,000, ये थोड़ा सा गलत बता दिया। डिस्क्लोज कितना करना पड़ेगा, डिस्क्लोज 5 लाख करना पड़ेगा, ये डिस्क्लोज करना पड़ सकता है अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। और 50,000 का तो कंफर्म हमें प्रोविजंस बनाना चाहिए क्योंकि ये खर्चा तो मुझे करना ही पड़ेगा केस से बाहर आने के लिए, तो 50,000 का प्रोविजंस बनना चाहिए। उस हिसाब से देखो तो ए गलत बी गलत, ठीक है, और यहाँ पर ये भी गलत, इसका तो प्रोविजंस नहीं बनेगा क्योंकि रिमोट है। 50,000 का प्रोविजंस बनाओ और कंटिजेंट लाइबिलिटी 5 लाख बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि केस अगर हारेंगे तो 5 लाख देना पड़ेगा, नहीं हारेंगे तो नहीं देना पड़ेगा, तो ये हम लोग का पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और ये हम लोग का क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट के साथ साथ और क्या होना चाहिए, और दो कंडीशन फुलफिल होने से ये प्रोविजंस बनता है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल है, ये देना पड़ेगा, इतना खर्चा तो देना पड़ेगा, और रिलायबली एस्टिमेट है, रिलायबली एस्टिमेटेड है, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोविजंस बनेगा और ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, इसी वजह से ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है, इतना हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हमें जो पूछा था वही कि अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी, और कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर है तो इसको क्या ट्रीट करना चाहिए, ये देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर है तो कंटिजेंट लाइबिलिटी को ना हम लोग फुटनोट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, फुटनोट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, और अगर रिमोट है तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वो ऐसा दिया नहीं है, तो चलो जो ऑप्शन हमारा सही है उसी के हिसाब से देंगे। सी ऑप्शन हमारा ज्यादा सही है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी है और रिमोट है तो उसे डिस्क्लोज, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है कि, मतलब देखो यहाँ पर इस तरीके से दिया नहीं, रिमोट बात बताया था लेकिन उसका यहाँ पर जो है पॉइंट उस हिसाब से ऑप्शंस में दिया नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस तो हम लोग का गलत है, तो ये सही है, इतने का प्रोविजंस जरूर बनेगा और कंटिजेंट लाइबिलिटी 5 लाख का हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्लोज कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज के ऊपर रिमोट वगैरह डिपेंड करता है। तो अच्छा यहाँ नॉट रिमोट बोला था, ओके मैंने गलत देखा, ऑल्दो द चांसेस ऑफ पेइंग द क्लेम इज नॉट रिमोट, लेकिन पे करने का चांसेस रिमोट नहीं है, ठीक है, मतलब
रिमोट अगर नहीं है तो डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, रिमोट नहीं है मतलब रीजनेबली पॉसिबल है तो फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नॉट रिमोट था, मैंने देखा नहीं, नॉट रिमोट था इसीलिए ये लिखा है डिस्क्लोजर होगा एज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। प्रोबेबल नहीं है, रिमोट भी नहीं है तो फिर रीजनेबली पॉसिबल है तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी फुट नोट में जो है हमें दिखाना है, यानी डिस्क्लोज करना है, रिकॉग्नाइज नहीं। ठीक है, तो ये S29 हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो भी था सारी चीज मैंने करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा कोई ए स्टार्ट कर लें। ठीक है, फिर आज के लिए।